पहला अमेंडमेंट हम देखेंगे ऑन द चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। ओके, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। और ये चैप्टर में जो है एक यहाँ क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो क्लैरिफिकेशन हमें देखना है। सो मैं पहले ही कह दूं ये एडिशनल अमेंडमेंट्स है। ओके, फॉर मे 2020 अटेम्प्ट के लिए, मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स है, ये जो अमेंडमेंट्स 30th अप्रैल के बाद जो हुई है, 30th अप्रैल से लेकर 31st अक्टूबर तक की जो अमेंडमेंट्स है वो मैं यहां कवर कर रहा हूं। तो जो नवंबर अटेम के लिए अमेंडमेंट्स थी नवंबर 2019 के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है बेटा मेरा। ओके, ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है उसका स्पेशल डिस्कशन मैं यहां ले रहा हूं। तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में यहां पे क्या हुआ, चलो हम देखते हैं। जैसे आपको याद होगा सेक्शन 7, इसको आप कैसे बोलोगे सेक्शन 7 को, सेक्शन 7 यस बेटा, व्हाट सेक्शन 7 रिलेटेड टू सप्लाई, सेक्शन 71A, कम ऑन सेक्शन 71A। ओके, अगर आपको याद होगा तो याद आ रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो सेक्शन 71 और सेक्शन 71 इंक्लूड, 72 एक्सक्लूड। डू यू रिमेंबर दैट 71 में हमने विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन में 71A एंड 71B, कम ऑन विथ कंसिडरेशन में 71A और 71B। तो ये विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन 71A में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, कुछ याद आ रहा है आपको, हाँ 71A में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के सभी फॉर्म सप्लाई कवर किए जाएंगे, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज और रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन whether in the course of business or not. 71B में importation of service cover किया गया है. Now 71C में जो है बेटा, यहाँ पे without consideration as per schedule 1 कहा गया. 1A talk about classification, यहाँ तक कोई amendments नहीं है. उसके बाद में 72 में schedule 3 वाली activities, okay, यहाँ पे भी कोई schedule 3 में भी कोई amendments नहीं है, कोई भी activity add नहीं किया गया है. लेकिन बेटा 72B जो है, कम ऑन आ जाइए 72B में क्या कहता है, सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज एस मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन, आई रिपीट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की होगी, यानी वो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या लोकल अथॉरिटी करेगी, इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, उसमें ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटी करेगी ये पब्लिक सर्विसेज होगी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो अपॉइंट की जाएगी, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। जो ओके एक्टिविटीज गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई करेगी, मतलब इन सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट अपनी ही कुछ ऐसी एक्टिविटी नोटिफाई करेगी जो एज अ पब्लिक अथॉरिटी है और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, यानी वो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों भी नहीं माना जाएगा। सो इसमें दो नोटिफिकेशन आए, एक 14/2017 और दूसरा अभी अभी ये अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट है, सेकेंड नोटिफिकेशन आया। ओके, सो कौन से दो ऐसे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, एज अ पब्लिक अथॉरिटी सर्विसेज है, पर जिसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। पहला नोटिफिकेशन वो क्या कहता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंट्रस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G एंड 243W, आई रिपीट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G और 243W जो है, ओके, ये जो दो आर्टिकल में, आई रिपीट, ये जो दो आर्टिकल्स में यहां पे डिटेल्स दी गई है, ओके, फंक्शंस दिए गए हैं, अगर उस टाइप के फंक्शंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, आई रिपीट, वो टाइप के फंक्शन सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी कैरी आउट करती है, तो
क्यों ना कंसिडरेशन पे हो पर उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इज इट क्लियर? सप्लाई नहीं बोला जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्या ऐड किया इन्होंने, देखो सेकंड क्या ऐड किया, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अंडरलाइन ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस बाय वॉट द नेम कॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी, अंडरलाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी शैल नीदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आपको ये पता है बात, भाई कौन सी बात आपको पता है? अगर आपको याद होगा, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी के स्कोप में नहीं है, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो ओके इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप में नहीं है। लेकिन क्या था, अल्कोहल ही जीएसटी के बाहर था, यानी इंडिया में जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का, आई रिपीट, जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन नाउ अल्कोहल लाइसेंस देने की रिन्यूअल फीस स्टेट गवर्नमेंट का करोड़ का रेवेन्यू है। आई रिपीट, अल्कोहल लाइसेंस का रिन्यूअल फीस देने का स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सा करोड़ का रेवेन्यू है, और ओके ईयरली ये अल्कोहल के लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट जब ये अल्कोहल के लाइसेंस रिन्यू करती है तो अब क्या हुआ, अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखा गया, पर अल्कोहल की लाइसेंस फीस जो लगती है, यानी अल्कोहल लिकर लाइसेंस देने की जो फीस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो फीस तो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई, और अगर वो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर करेगी 50-50%, दोनों शेयर करेगी सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। ओके तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दो और दोनों गवर्नमेंट जो है 50-50% शेयर करेगी। अब स्टेट वालों का क्या कहना था, स्टेट वालों का कहना था अच्छा एक तो ये लाइसेंस फीस हमारा रेवेन्यू है, अब स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लाइसेंस फीस उसके ऊपर और वो अल्कोहल से रिलेटेड है, और उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, वो जीएसटी का चलो 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, आई रिपीट वो जीएसटी का 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, पर रिमेनिंग 50% सेंट्रल लेगा। सो पहले ही जो लाइसेंस फीस है वो एक तरह का टैक्स है, ओके लाइसेंस फीस एक तरह का टैक्स है ऑन अल्कोहलिक लिकर, उसके ऊपर अगर आप यहां पे उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे एज अ सर्विस तो उसका 50% सेंट्रल ले लेगी, यानी एक टैक्स पर टैक्स हो जाएगा, ओके और वो उस पर 50% रेवेन्यू सेंट्रल का हो जाएगा। तो ऐसे केस में सभी स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल को ओके ये डिमांड की कि हम जो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस बांटते हैं और उसकी जो रिन्यूअल फीस लगाते हैं, ओके तो जो भी लाइसेंस फीस होगी या एप्लीकेशन फीस होगी या जो भी आप नाम होगा उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। तो एट लास्ट ओके सेक्शन 72 क्लॉज बी का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि हाँ अल्कोहलिक लिकर की जो लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस होगी उसके ऊपर जीएसटी किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा, नॉट एज अ गुड्स लगाया जाएगा और नॉट एज अ सर्विसेस लगाया जाएगा। तो नाउ यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने कहा सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या आप अब खुश है, ओके सभी स्टेट ने कहा हाँ हाँ हम खुश है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हुआ, भाई क्या कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सभी जो लाइसेंसेस देती है जैसे नेचुरल रिसोर्सेस के लाइसेंस देती है, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देती है, क्या वो भी ये नोटिफिकेशन कवर करेगा क्या? तो सीबीआईसी ने इमीडिएट क्लैरिफाई किया, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ अल्कोहल के लाइसेंस का ही होगा, बाकी कोई भी लाइसेंस का नहीं होगा, यानी बाकी सभी लाइसेंस पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलो वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूं, सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन, यहां जगह नहीं है, पर अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको आधा ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो यहां आपको लिखना है, यहां क्लोज कर देना, सॉरी थोड़ा स्पेस देकर, या लास्ट पेज पे यहां बॉटम में जगह मिलेगी आपको, हाँ यहां बॉटम में जगह मिलेगी इससे रिलेटेड, तो एक क्लैरिफिकेशन लिख दो यहां पे ऐसे ही,
बॉटम में जगह मिलेगी, तो यहाँ क्लैरिफिकेशन लिखो। और बेटा एक नोट्स अपने साथ रखना या कुछ ब्लैंक पेजेस अपने साथ रखना, कहीं पे अगर मैं चार्ट ड्रॉ करूँ ओके, कहीं पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा के दूँ तो वो लिख कर यहाँ अमेंडमेंट के साथ वो डायग्राम वो चार्ट या कुछ एक्स्ट्रा जो है अमेंडमेंट के साथ वो अटैच कर देना, वहीं के वहीं इमीडिएट स्टेपल से अटैच कर देना। तो यहाँ पे बेटा ओके, कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है वो लिखना है, लिखो एक क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी का आया। और क्या क्लैरिफिकेशन आया सीबीआईसी का देखिए, राइट डाउन सर्कुलर नंबर, लिखो सर्कुलर नंबर 121/40/2019, लिखो लिखो, दिस नोटिफिकेशन इज अप्लीकेबल राइट नाउ, दिस नोटिफिकेशन इज अप्लीकेबल only for grant of liquor licenses by state government, only for grant of liquor licenses by state government and not applicable to other privileges, not applicable to other privileges, comma licenses mining rights or natural resources. और नेचुरल रिसोर्सेस फुल स्टॉप, इन सच केसेस जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम, इन सच केसेस जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम, पेबल अंडर आरसीएम। तो बेटा सिर्फ जो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंसेस है उस पर ही ओके, यहां पे सप्लाई से बेनिफिट दिया गया, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया, एग्जम्पशन तो दूर की बात, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया, इज इट क्लियर। और दूसरी बात यहां पे बेटा ओके, बाकी जो भी प्रिविलेजेस हो गए, बाकी जो भी लाइसेंसेस हो गए, या बाकी जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस के लाइसेंस हो गए, जैसा स्पेक्ट्रम हो गया, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हो गया एक्सेट्रा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा और आरसीएम में लगाया जाएगा। सर आप आरसीएम क्यों बोल रहे हो? मैं आरसीएम बस इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि अगर आपको आरसीएम की एक एंट्री याद होगी तो आरसीएम के एंट्री में ये दिया हुआ है कि कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी, कमन कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी, तो वो केस में आरसीएम लगाया जाता है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी जो हमने यहाँ कंप्लीट की, जो हमने यहाँ कंप्लीट की। उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन, सबसेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो एक बस छोटी सी अमेंडमेंट सेक्शन 7 में, वो भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे एक क्लैरिफिकेशन जो सप्लाई चैप्टर के बेस पे है, क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस of charitable organization receiving donation or gift from the individual donors, ये clarification पढ़ने के पहले थोड़ा इसका background मैं आपको समझाना चाहूंगा। सर इसका क्या background है? जरूर देखिए इसका क्या background है। देखो now section 71A अगर हम पढ़े तो all form of supply,
ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ऑफ गुड्स और सर्विसेस. सो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस. नाउ वो जो आप सप्लाई कर रहे हो, मैं सप्लाई फिर वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, सॉरी मेड और अग्रीड टू बी मेड, अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन. ओके, तो बेटा जस्ट एक मैं आपको एक रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूं. मतलब आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन का क्लियर इंटेंशन होना चाहिए. मतलब यू आर ओके डूइंग द सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हो ओके कंसिडरेशन के लिए, या आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप सप्लाई कर रहे हो. एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है, आई रिपीट, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन. भाई मैं कर इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलना चाहिए, या कुछ मिल रहा है इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं, उसको कहते हैं सप्लाई फॉर कंसिडरेशन. तो ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन पे क्लैरिफिकेशन आया, और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया. मैं एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये क्लैरिफिकेशन पे. तो क्या बेटा, थोड़ा मैं आपको बता दूं ये क्लैरिफिकेशन. ओके, यहां पे अगर कोई स्टूडेंट यहां अभी रिसेंट बैच अगर मेरी किया होगा और वो अमेंडमेंट ये देख रहा होगा, तो सबसे आगे सबसे लास्ट मॉड्यूल में एंडिंग में एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए, उसमें मैंने ये समझाया था. पर कोई बात नहीं, आप अमेंडमेंट देख रहे हो तो अच्छी बात है. ओके, अमेंडमेंट्स देखना अच्छी बात होती है, एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाता है, ठीक है? तो देखिए इश्यू क्या था. इश्यू ये था कि वेदर जीएसटी इज लेवियबल ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग द नेम प्लेट्स ऑफ डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स. समझ लो, वी स्मार्ट एकेडमी ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया. आई रिपीट, वी स्मार्ट एकेडमी ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया. अब मैंने तो डोनेशन दे दिया भाई, आप ही समझ रहे हो, मैंने तो डोनेशन दे दिया. सो नाउ जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, मेरा बिजनेस प्रमोट होने के लिए नहीं, जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने वहां नेम प्लेट लगाई उनके जो भी प्लेस होगी वहां पे, कि नाउ वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीस, जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट टू अवेयरनेस इन पब्लिक कि भाई वी स्मार्ट चैरिटी कर रहा है. लेकिन मैंने जो डोनेशन दिया उसके अगेंस्ट में ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि वो मुझे मेरे बिजनेस को प्रमोट करे. ये डोनेशन कोई इन द कोर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ. नो डाउट आखिरी कंडीशन है सप्लाई होने के लिए कि जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो फॉर एग्जाम्पल ओके चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी, आई रिपीट चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके यहां पर इधर चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी. तो चैरिटेबल ट्रस्ट ओके नॉन अब नाम डिस्प्ले कर रही है नेम प्लेट पे कि वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीस. एक जस्ट ग्रेटिट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है. सो वी स्मार्ट एकेडमी डोनेटेड 5 लाख रुपीस, तो क्या और उनको 5 लाख का पैसा मिल रहा है, तो क्या उनकी ये सर्विस मानी जाएगी कि नेम डिस्प्ले करना, आई रिपीट वो नेम डिस्प्ले करना फॉर दैट डोनेशन? ये बहुत बड़ा सवाल है. अगर इस तरह का अगर वो नेम डिस्प्ले करने का पैसा ले रहे हैं तो सर्विस, तो फिर तो जीएसटी भी लग जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट पे, चैरिटेबल ट्रस्ट पे जीएसटी. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ओके नेम डिस्प्ले किया, इस पैसा मिला. तो मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना, आपसे एक सवाल है, क्या उन्होंने जो नेम डिस्प्ले किया फॉर कंसिडरेशन था या वॉलेंट्री डोनेशन मिला था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा नहीं था रेसिप्रोसिटी कि भाई आप पैसा दोगे तो ही हम नेम डिस्प्ले करोगे, या फिर आपने पैसा दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा. ओके, यानी हम बाइंडिंग है कि अरे आपने 5 लाख रुपए दे दिया तो मुझे नेम डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, या वो वॉलेंट्री पैसा था, ये एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने नेम डिस्प्ले किया.
नहीं भी करता तो भी कोई वो पैसा मेरे से वापस नहीं लेती। 20 मिनट 20 मिनट बड़ा अच्छा है, ओके, कि वो पैसा वापस नहीं लेती। ये समझ में आया? तो इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है, और मैं जो नेम डिस्प्ले कर रहा हूं कोई उनके बिजनेस को प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी ये कोई एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और एक्सेट्रा, इसके लिए नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में सीबीआईसी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और सभी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक रिलैक्सेशन मिला, ओके, राहत मिली कि चलो यार बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया। और सीबीआईसी ने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर डोनेशन या गिफ्ट मिलते हैं और जिसने डोनेशन और गिफ्ट दिए उसका नाम आप डिस्प्ले करते हो, नेम प्लेट पे लिखते हो एज अ ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अनलेस, अगर ये प्रूव नहीं होता है कि भाई वो नाम ही इसलिए डिस्प्ले किया गया क्योंकि पैसा मिला। हाँ, बहुत सी बार कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है और कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्लियर कट बोला कि देखो भाई आप पैसा दोगे, कम ऑन, आप पैसा दोगे तो नाम डिस्प्ले होगा, हम आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, हमारा डांडिया प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा वो प्रोग्राम है, पर यहां आपका, अगर यहां पे हमें आपका नाम डिस्प्ले करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्लियर कट है कि उनकी सर्विस जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विस है फॉर कंसिडरेशन, मतलब हम सर्विस देंगे तो पैसा चाहिए या पैसा मिला तो हम सर्विस देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, हाँ, ये केस में वो सप्लाई हो सकता है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो देखो मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ रहा हूं, इंडिविजुअल डोनर प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट और गिफ्ट टू इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑर्फेंज, ओल्ड एज होम एक्सेट्रा। द रिसिपियंट इंस्टीट्यूशन प्लेस अ नेम प्लेट और सिमिलर एक्नोलेजमेंट इन देयर प्रीमाइसेस टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। आई रिपीट, द रिसिपियंट इंस्टीट्यूशन प्लेस अ नेम प्लेट और सिमिलर सच एक्नोलेजमेंट जस्ट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। व्हेन द नेम ऑफ डोनर इज डिस्प्लेड इन द रिसिपियंट इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसेस इन सच अ मैनर व्हिच कैन बी सेड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंथ्रोपी। मतलब उसने चैरिटी एक्ट किया और वो चैरिटी एक्ट को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है कि बाकी और डोनेशन मिले, उसके बिजनेस को प्रमोट करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट का। इट इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिसिटी, अंडरलाइन ये वर्ड आना ही चाहिए, इट इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिसिटी टू डोनर इन सच ए मैनर इट वुड बी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन टू हिज बिजनेस, देन इट कैन बी सेड दैट देयर इज नो सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। आई रिपीट, देयर इज no supply for a consideration and there is no obligation on the part of recipient of the donation or gift or do anything, therefore there is no GST liability। इससे एक बात समझ गए, इससे ये बात मिल समझ गई कि जो भी वॉलंटरी मिल रहा है जिसके अगेंस्ट में आप सर्विस देना आप पे बाइंड नहीं होता है, आपकी इच्छा है, मुझे वॉलंटरी डोनेशन मिला, वॉलंटरी गिफ्ट मिला, जो भी मिला, उसके अगेंस्ट में मैं सर्विस दू, ऐसा कोई मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, वो वॉलंटरीली है और उसमें कोई मैं उसका बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और वो केस में जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। वो केस में जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में यस, यहां कुछ एग्जांपल मैंने दिए, तो चलो थ्री कंडीशंस, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा? गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, द पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। हाँ, समझो, वो जो अभी पेमेंट मिला वो गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, एंड पर्पज इज नीदर कमर्शियल गेन नॉर एडवर्टाइजमेंट। हाँ, उसमें जो नाम डिस्प्ले हो रहा है वो नाम डिस्प्ले करते वक्त डोनर को कोई भी किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए। तो वो सिचुएशन में, आई रिपीट, उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है बेनिफिट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? डन। यहां पे तो ये हमने देखा, यहां
ये क्लैरिफिकेशन। तो एक नोट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लिखो, अगर एक नोट लिखना है तो लिख सकते हो नीचे। इफ इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन received any gift or donation against advertisement or promotion of the business, against advertisement or promotion of the business of the donor, advertisement or promotion of the business of the donor, then it would be treated as supply for consideration, and GST is payable. It would be treated as supply for consideration and GST is payable. Done beta. तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ ऑन द फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। मैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये केस में ऐसा हो सकता है कि शर्ट्स वगैरह सब बदल जाए। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। और मुझे व्हाट्सअप नहीं करना कि सर आपका शर्ट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्मार्ट दिख रहे हो। ओके, तो प्लीज डोंट व्हाट्सअप मी। डन। ओके। वेल, सो नाउ लेट डिस्कस अमेंडमेंट रिलेटेड टू सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिवर्स चार्ज। ओके, सो रिवर्स चार्ज में क्या क्या अमेंडमेंट हुई, इंक्लूडिंग ईसीओ। ईसीओ में तो ऐसे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, पर रिवर चार्ज में हाँ कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज ऐड हुई है और एक एंट्री जो है आपकी अमेंड की गई है। तो वो कौन सी एंट्री अमेंड की गई है, ओके, यहाँ हम देखेंगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा एंट्रीज ऐड की गई है रिवर चार्ज में, ये भी हम देखेंगे दोस्तों। सो नाउ यहाँ पे रिवर चार्ज एंड ईसीओ। ओके, रिवर चार्ज एंड ईसीओ। सो सेक्शन 9(3) रिवर चार्ज अंडर नोटिफाइड केसेस। तो 9(3) और 9(4) दो प्रोविजंस हमने रिवर्स चार्ज के देखे थे। 9(3) में गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई होगी, और वो गुड्स और सर्विसेज आपने अगर परचेज किया तो रिसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी। 9(3) में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 9(3) में दिए गए गुड्स और सर्विसेज आपने परचेज कर ली है, आई रिपीट, 9(3) में दिए गए गुड्स और सर्विसेज आपने परचेस के लिए, तो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कम ऑन, किसके ऊपर आएगी बेटा, रिसिपिएंट पे। डन। चलो ओके, तो हम डिस्कशन यहां स्टार्ट करते हैं। ये नंबर मैंने नोट्स में लिए है क्योंकि नोट से कॉपी किया है इसलिए। ओके, अगर आपके पास रेगुलर नोट्स या फास्ट ट्रैक नोट्स होगी तो 9 नंबर पे आएगा। ओके, अदरवाइज सिर्फ अमेंडमेंट आप रेफर कर रहे हो, रेगुलर बैच आपने किसी और का किया होगा तो 1 नंबर ले लो। ये नंबर पे आपको नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या यहाँ अमेंडमेंट्स हुई है। आपकी जो एग्जिस्टिंग एंट्री थी, ओके, कुछ याद अगर आपको होगा तो मैं याद दिला दूं, एग्जिस्टिंग एंट्री में उसमें एक थोड़ा सा चेंज लाया। कौन से एग्जिस्टिंग एंट्री में रिवर्स चार्ज में उन्होंने चेंज लाया है, देखिएगा। Supply of services by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyrights covered under section 31(1)(a) of Copyright Act relating to original literary, dramatic, musical and artistic work by an author, music composer, photographer, artist to music company, producer or like located in a taxable territory, the person liable to pay tax is a publisher, music company, producer or like located in a taxable territory. पहले तो मैं ये एंट्री आपको समझा देता हूँ और फिर अमेंडमेंट जो है क्या लाया गया वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले तो इस एंट्री को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एंट्री कहती क्या है।
ये एंट्री यहां पे ये कहती है बेटा कि अगर हमने जो सेक्शन 13(1)(a) में कॉपीराइट्स जो डिफाइन किए हैं, कौन से सेक्शन में डिफाइन किए बेटा, 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। क्या हमें सर कॉपीराइट एक्ट पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। पहले कुछ कम है क्या पढ़ने के लिए, तो जा रहे हो कॉपीराइट एक्ट में, तो आपको कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं पढ़ना है। पर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट के तहत चार ऐसे कॉपीराइट्स है जो ओरिजिनल वर्क होने चाहिए, मतलब आपके बनाए हुए ओरिजिनल, किसी का कॉपी नहीं, आपने खुद ने बनाया हो। जैसे ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, कुछ लिखा हो, बुक लिखा हो आपने, कोई सॉन्ग लिखा हो, कोई मूवी की स्टोरी लिखी हो, या ड्रामेटिक वर्क होगा आपका, आप आर्टिस्ट हो, ड्रामा करते हो, या म्यूजिकल वर्क होगा या आर्टिस्टिक वर्क होगा। तो नाउ ड्रामेटिक वर्क होगा या फिर म्यूजिकल वर्क होगा या आर्टिस्टिक वर्क, आप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, एक्सेट्रा, और कोई आर्टिस्टिक वर्क होगा पर आपका खुद का बनाया हुआ है, और आप एज अ ऑथर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, उसके टेम्पररी राइट्स देते हो। कम ऑन, क्या कह रहा हूं मैं, उसके आप राइट्स देते हो म्यूजिक कंपनी को। समझ लो आपने कोई अच्छा म्यूजिक बनाया, A.R. रहमान ने कोई म्यूजिक बनाया, उसका म्यूजिक का राइट म्यूजिक कंपनी को दिया, तो आपने खुद ने बनाया हुआ है, आपने म्यूजिक कंपनी को दिया, प्रोड्यूसर को दिया, या लाइक लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो और लाइक जो भी होगा, मतलब पब्लिशर होगा या म्यूजिक कंपोजर होगा या एक्सेट्रा, तो ऐसे सिचुएशन में उसका अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क खरीदा होगा, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क के राइट्स लिए होंगे, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क के राइट्स लिए होंगे, तो उसका टैक्स पे करने का लायबिलिटी जो ऑथर है, जो जिनका इंटेलेक्ट यूज हुआ है या जो म्यूजिक कंपोजर है उनके ऊपर नहीं आएगा, उनसे जो राइट्स लेगा उनके ऊपर लगाया जाएगा। आई रिपीट, उसके ऊपर लगाया जाएगा। समझ लो मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बुक लिख रहा हूं और मैंने इसके पब्लिश करने के राइट समझ लो किसी पब्लिशर कंपनी को दिया, तो ऐसे किस में अगर मैंने खुद बुक लिखी होगी, लिटरेरी वर्क होगा, तो उसकी जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी उस रॉयल्टी का टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, रिवर्स चार्ज भी पब्लिशर पे करेगा, एक्सेट्रा। नाउ अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट हुई बेटा, लिटरेरी वर्क, आई रिपीट द वर्ड लिटरेरी वर्क, यहां पे ये यहां से हटा दिया गया और उसके लिए सेपरेट एंट्री लाएगी। लिटरेरी वर्क, ऑथर और पब्लिशर, ऑथर और पब्लिशर, ये तीन वर्ड उन्होंने हटा दिए। सर ये तीन वर्ड क्यों हटाए? वो तीनों कनेक्टेड है, जो लिखता है उसे ऑथर कहते हैं और वो अपना लिखने का राइट्स पब्लिशर को देता है, तो ये तीनों वर्ड्स वहां से हटा दिए गए और ये एंट्री जो बची अभी वो एंट्री बची है ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क के लिए। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो रेगुलर बुक है, कुछ नहीं, एक छोटी सी अमेंडमेंट करनी है, आपके पास जो रेगुलर बुक है या फास्ट ट्रैक सुपर 35 बुक होगी, उसमें से लिटरेरी वर्क पे स्क्रैच करना है, इधर ऑथर पे स्क्रैच करना है, यहां पब्लिशर होगा या यहां पब्लिशर होगा, तो दोनों जगह पब्लिशर को स्क्रैच करना है। और बाजू में लिख देना है रेफर अमेंडमेंट नोट्स, रेफर अमेंडमेंट नोट्स। अब अमेंडमेंट में क्या आया, एक नई एंट्री 9A ऐड हुई। अब वो एंट्री क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। हाँ, तो अब लिटरेरी वर्क के लिए उन्होंने जो है अलग कर दिया है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बाय एन ऑथर, देखो ऑथर जो लिटरेरी वर्क कर रहा है उसके लिए सेपरेट एंट्री आ गई है, टू पब्लिशर, तो लायबिलिटी जो है पब्लिशर पे डाली जाएगी। सो सर इसमें नया क्या है, रुको ना, तो मिनट बताता हूं ना नया क्या है, पहले समझ तो लो। पहले भी ऐसा ही था सर, ऑथर अगर पब्लिशर को देता है तो रिवर्स चार्ज में पब्लिशर पे आएगा, अभी भी तो वैसा ही है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होगा और ऑथर जो है ऑथर दे रहा होगा पब्लिशर को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बाद में इस एंट्री में कुछ कंडीशंस डाली गई और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर ऊपर दिया गया रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं किया जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर ही उसका टैक्स देगा। सर नहीं समझा, थोड़ा आप ध्यान फिर से समझाओगे हमें? बिल्कुल बेटा, फिर से समझ लो। अभी भी रिवर्स चार्ज ही है, ध्यान से सुनो,
अभी भी रिवर्स चार्ज ही है। रिवर्स चार्ज है का मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आज ऑथर अब कुछ भी लिखता है और उसके राइट्स किसको दे रहा है बेटा? उसके राइट पब्लिशर को दे रहा है, तो लायबिलिटी टू पे टैक्स किसके ऊपर डाली हुई है? लायबिलिटी टू पे टैक्स पब्लिशर पे ही डाला हुआ है। लेकिन इसमें अब ऑप्शन लाया है, ऑप्शन लाया मतलब ये रिवर्स को अगर चाहो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो मतलब लायबिलिटी ऑथर पे शिफ्ट कर सकते हो। देखो अभी तक रिवर्स चार्ज में एक ही एंट्री इसके पहले ऐसी थी जो रिवर्स रिवर्स की फॉरवर्ड कर सकते थे, मतलब ऑप्शन था, वो था जीटीए। क्या आपको याद है जीटीए? जीटीए में आपको ऑप्शन दिया था 12% या 5%। आपको 12% में जाना हो तो आप फॉरवर्ड चार्ज में दो, और आपको नहीं जाना हो तो रिवर्स चार्ज में 5% लगता था। कुछ याद आया? इसके अलावा, जीटीए के अलावा अगर बाकी कोई भी एंट्री में, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे डिलीवर कर रहा हूं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जीटीए छोड़ के बाकी कोई भी एंट्री अगर रिवर्स चार्ज में होगी तो टैक्स रिसिपिएंट ही देगा, फॉरवर्ड चार्ज पे शिफ्ट नहीं होगा। अरे सर पर सप्लायर रेडी, अरे सप्लायर रेडी हो या नहीं हो बाजू में रखो उसको, टैक्स देने वाला रिसिपिएंट ही होगा। कुछ मेरी बात समझे बेटा? तो टैक्स देने वाला रिसिपिएंट ही होगा, खत्म। यानी सिर्फ जीटीए छोड़ के बाकी किसी को ऑप्शन नहीं मिलता था कि वो फॉरवर्ड में शिफ्ट कर दे। जैसे लॉयर हुआ, लीगल सर्विस हुआ, लीगल सर्विस में लॉयर खुद टैक्स देने को रेडी है क्योंकि उसको क्रेडिट लेना है। नहीं, लॉयर को जो है यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो लॉयर को जो है ऑप्शन ही नहीं था, बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स था। इंश्योरेंस एजेंट हुआ, रिकवरी एजेंट हुआ, सो जो भी रिवर्स चार्ज हमने पढ़े थे रिसिपिएंट ही टैक्स देगा। नाउ अब बेटा एक ऑप्शन ऑथर के लिए आया है, ऑथर के लिए आया है। वैसे ऑथर भी रिवर्स चार्ज में ही है, यानी टैक्स पब्लिशर ही देगा। कम ऑन, टैक्स उसका कौन देगा? पब्लिशर भी देगा, पर यहां ऑप्शन दे दिए, यानी जीटीए तो थी जो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकती थी, और अब बेटा ऑथर लेके आ गए। अब ये ऑथर कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑथर ये कहता है, ये एंट्री क्या कहती है? ये एंट्री कहती है कि वैसे तो रिवर्स चार्ज है, पर अगर ऑथर चाहे और ऑथर आके ये डिक्लेयर करे कॉमन पोर्टल पे कि मैं टैक्स दूंगा, और कि मेरे पब्लिशर को परेशान मत करो, मैं दूंगा टैक्स, और फॉरवर्ड चार्ज में मैं टैक्स इसका देने को रेडी हूं, तो ऐसा केस में पब्लिशर इस वो सिचुएशन में टैक्स नहीं देगा, वो केस में ऑथर टैक्स देगा और बर्डन पास ऑन होगा। जैसा मैं ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश इस तरह से करता हूं कि समझ लो कोई ऑथर है और ऑथर अपने राइट्स, समझ लो मैं हूं, आईडीटी भी बुक्स लिख रहा हूं, और मैंने उसको पब्लिश करने के राइट्स टैक्समैन को दे दिए, मैंने पब्लिश करने के राइट्स टैक्समैन को दे दिए, ठीक है? तो नो डाउट जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी इसका, जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगा, समझ लो रॉयल्टी मुझे मिल रही है 10 लाख रुपीज, अज्यूम। तो जो भी मुझे रॉयल्टी मिल रहा है मेरे बुक का, पब्लिश करने का, तो वो रॉयल्टी पे टैक्स पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर की है। तो ये है पब्लिशर, और उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे 10 लाख रुपए पे, 10 लाख रुपए पे जीएसटी दे, और जीएसटी 18% से दे रिवर्स चार्ज पे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नोटिफिकेशन में ऑप्शन दे दिया, यानी उस एंट्री को अलग कर दिया और ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने बेटा? गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया कि चलो कोई बात नहीं बेटा, ऑथर अगर चाहे तो वो चीज फॉरवर्ड में ले सकता है, ऑथर अगर चाहे तो फॉरवर्ड में ले सकता है, कुछ शर्तें उसको पूरी करनी पड़ेगी। अब यहां फॉरवर्ड में वो टैक्स पे करेगा और इनवॉइस में बर्डन पास ऑन करेगा, पर सर क्यों फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा? कोई तो रीजन होगा। पहली बात तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूं, उसके दो तीन रीजन है। पहला कि क्यों इसको फॉरवर्ड का ऑप्शन दे दिया, पहला रीजन ये है कि अगर आप फॉरवर्ड टैक्स पे करते हो, ध्यान से सुनना, वैसे भी यूट्यूब पे ओपन लेक्चर है, अगर कभी बाद में याद नहीं आया तो फटाफट दो की स्पीड में सुन लेना, ठीक है? तो फॉरवर्ड टैक्स में क्या होता है बेटा? तो फॉरवर्ड टैक्स में आपको आईटीसी मिल जाता है, मतलब आपने कोई इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, या ऑथर ने लिया होगा तो उसको आईटीसी मिल जाते हैं। किसमें आईटीसी मिलता है? फॉरवर्ड चार्ज में उसको आईटीसी मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? आई रिपीट, फॉरवर्ड चार्ज में उसको आईटीसी मिल जाते हैं। तो हो सकता है ऑथर को अपने आईटीसी लेना है, क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस अगर रिवर्स में चले गई ना, उसकी सर्विस अगर रिवर्स में चले गई ना, तो वो केस में फिर ऑथर को आईटीसी नहीं मिलता है।
क्योंकि रिवर्स वाला सर्विस या गुड्स जो है सेक्शन 17(3) के तहत, आई रिपीट, सेक्शन 17(3) के तहत एग्जम सप्लाई माना जाता है। ओके, तो अगर आपका सप्लाई रिवर्स में तो वो एग्जम सप्लाई माना जाता है, तो फिर आईटीसी नहीं मिलते आपको। तो ऑथर चाहे तो वो फॉरवर्ड में ले सकता है। ऑथर कहता है मुझे फॉरवर्ड में लेना है, चल ले ले भाई, तेरे को रोका किसने, तू फॉरवर्ड में ले ले, ऑप्शन दे दिया अब गवर्नमेंट ने। ओके, तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है और अपने आईटीसी भी ले सकता है। और दूसरी बात, फायदा पब्लिशर का भी होगा, क्योंकि क्या होता है बेटा, गुड्स वो जो भी बुक्स है वो बुक्स पब्लिश करके वो सेल करता है, पब्लिक पब्लिश करके सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, बुक्स एजुकेशनल बुक नील रेट पे है, नील रेट पे है या एग्जम्प्टेड है। तो अब ये पब्लिशर की परेशानी क्या हो जाती है आपको पता है क्या, पब्लिशर की ये परेशानी हो जाती है, ध्यान से सुनना, पब्लिशर की ये परेशानी हो जाती है कि उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्टेड है, उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्टेड है। आप मेरी बात समझ रहे हो आप, तो उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्ट है, ठीक है, और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, बंदे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात देखो, अब आपको सेक्शन 23 अगर याद होगा, कुछ याद आ रहा है सेक्शन 23? नहीं आ रहा है, पर ठीक है मैं याद दिला देता हूं। सेक्शन 22 जो था वो थ्रेशोल्ड था, कुछ याद आया, सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड था और सेक्शन 23, आई रिपीट, क्या सेक्शन 23 जो था, सेक्शन 23 था कि अगर, ध्यान से सुनना, सेक्शन 23 ये था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो, नील रेट सप्लाई कर रहे हो, या ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो, नील रेट सप्लाई कर रहे हो, या ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों ना आपका बिजनेस करोड़ में हो जाए, सुनिए सुनिए, क्यों ना आपका बिजनेस करोड़ में हो जाए पर एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई है, सो नो नीड टू रजिस्टर, नो नीड टू रजिस्टर। पर अब ये पब्लिशर का प्रॉब्लम क्या है, अरे भाई उसका आउटवर्ड सप्लाई तो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट है, लेकिन उसने रिवर्स चार्ज आने की वजह से बेचारे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो ये पब्लिशर कह रहा है, अरे यार मेरा करोड़ का टर्न ओवर जो एग्जम्प्ट है, और ओनली रिवर्स चार्ज के लिए, कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन, ओनली रिवर्स चार्ज के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, ओनली रिवर्स चार्ज के लिए, तो ये गलत हुआ ना। तो इसमें क्या हो रहा था, पब्लिशर को रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लो, टैक्स पे करो, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, मंथली क्वार्टरली रिटर्न दो, उधर ऑथर भी क्रेडिट नहीं ले पा रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटी रिवर्स चार्ज में थी। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है यार, कोई ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता है तो ले लो। अब फायदे क्या क्या हुए, फायदे ये हुए बेटा कि फॉरवर्ड चार्ज में आते ही ऑथर को उसका आईटीसी मिलने लगा, उसके बाद में पब्लिशर को इसके वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रिवर्स चार्ज में टैक्स ही नहीं है। हाँ, बर्डन उसके ऊपर पास ऑन होगा, अब वो बिल में पास ऑन होगा, पहले वो देता था, अब ये बिल में लगा के देगा, जीएसटी एट द रेट 18% है। तो 10 लाख का 1,80,000 तो ये बिल में लगाकर देगा। तो वो सिचुएशन में बिल में लगाकर वो टैक्स दिया जाएगा, आई रिपीट, वो टैक्स दिया जाएगा। तो ये हुआ रिगार्डिंग टू, आई रिपीट, ये हुआ रिगार्डिंग टू यहां पे दिस न्यू एंट्री जिसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन मैंने आपको बताया, रीजन भी मैंने आपको बताया ऐसा क्यों किया, पर ये रीजन वगैरह आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि यस, ऑथर के लिए उन्होंने सेपरेट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने जो सिर्फ सेपरेट किया वो ऑथर के लिए किया, मतलब अगर आप ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क का राइट्स दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज ही लगेगा, फिर क्यों ना वो आर्टिस्ट खुद देने को रेडी हो, वो ड्रामेटिक वर्क के लिए खुद देने को रेडी हो, उससे कोई कंसर्न नहीं। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्होंने किसको दी, कम ऑन, किसको दी, ओनली ऑथर को दी, मेरी बात समझे क्या आप, यस, ओनली ऑथर को दी। तो ये देखा हमने रिवर्स चार्ज रिगार्डिंग टू यहाँ पे ऑथर एंड पब्लिशर्स। तो मैं कंडीशन पढ़ लेता हूं, क्या कंडीशन है बेटा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई,
मतलब क्या, इस एंट्री की कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी और रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल्ड डिक्लेरेशन, दो चीजें ऑथर ने करनी चाहिए। बताओ कौन सी दो चीजें ऑथर ने करनी चाहिए? एक तो उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और स्पेशल डिक्लेरेशन भी देना चाहिए कि भाई मैं दूंगा टैक्स। हाँ, मैं दूंगा टैक्स। ओके, तो ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल अ डिक्लेरेशन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब विद इन द ज्यूरिशनल जीएसटी कमिश्नर दैट ही एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस एज दे अप्लाई टू पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट ही शैल नॉट विदड्रॉ द सेड ऑप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज सेड ऑप्शन। मतलब क्या, उसने यहां पे जीएसटी कमिश्नर को ये डिक्लेरेशन देना चाहिए कि भाई मैं इसका टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं, मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं, और मैं इस एक्ट की सभी प्रोविजन मैं कंप्लाई करने के लिए रेडी हूं। कम ऑन, इस एक्ट की सभी प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए मैं रेडी हूं और एक साल तक मैं ये फॉरवर्ड चार्ज वाला लिया हुआ ऑप्शन विड्रॉ नहीं खाऊंगा, ये कसम खाता हूं, ये कसम खाता हूं। अगर ये सभी बातें पूरी होती है तो फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर पे आएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑथर मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 1 टू द सप्लायर। ओके, वो डिक्लेरेशन INV 1 में जाएगा। Thus, where author is registered and he make a declaration to pay tax proper officer, then not required to pay tax, author will pay the tax under forward charge. ये हमने देखा, तो ये था यहाँ पे हमारी second amendment. Okay, तो ये हमने amendment in existing entry. बस जो पुरानी existing entry उसमें इत्तू सी amendment हुई है, हाँ इत्तू सी, कि बस author को अलग कर दिया गया है और उसको option दिया है, तो उसको दोनों option है, reverse charge as well as फॉरवर्ड चार्ज। तो एक चार्ट बना लो बेटा, कॉपीराइट सर्विस ओरिजिनल, एक मिनट, कॉपीराइट सर्विसेज अंडर सेक्शन 13 1A ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ए ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। इसमें दो पार्ट करना, पहला पहला लिखो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल यहां पे लिटरेरी वर्क, एंड सेकेंड सेकेंड कौन कौन से थे बेटा, ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, सेकेंड ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, इन सेकेंड पार्ट लिख दो ओनली रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, ओनली RCM इज एप्लीकेबल, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली RCM इज एप्लीकेबल। फर्स्ट केस में फिर से दो पार्ट्स, फर्स्ट केस में फिर से दो पार्ट्स, पहला लिखो इफ ऑथर has, if author has taken registration and file declaration as above, author has taken registration and file declaration as above
डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो लिखो, फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल, डाउनवर्ड एरो लिखो, फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल, फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल एंड ऑथर इज लायबल टू पे टैक्स, एंड ऑथर इज लायबल टू पे टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल एंड ऑथर इज लायबल टू पे टैक्स, ब्रैकेट में लिखना, ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, सेकेंड पार्ट में, इफ ऑथर इज नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट एंड ऑल्सो नॉट फाइल डिक्लेरेशन, एंड ऑल्सो एंड नॉट फाइल डिक्लेरेशन, डाउनवर्ड एरो, ऑल्सो हैव नॉट फाइल डिक्लेरेशन, देन डाउनवर्ड एरो, आरसीएम इज अप्लीकेबल, आरसीएम इज अप्लीकेबल, आरसीएम इज अप्लीकेबल एंड पब्लिशर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, पब्लिशर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, डन, पब्लिशर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, चलिए, वेल सो बेटा नेक्स्ट एंट्री जो ऐड हुई है वो ये है, ये न्यूली इंसर्ट हुई है, इसके पहले वाली एंट्री जो है वो यहां पे अमेंड हुई थी और एक एंट्री नई ऐड हुई थी, पहले तो ओके वहां से ऑथर निकाला गया और सेपरेट एंट्री ऐड हुई, ये देखो क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, चलो थोड़ा इसको इस तरह से समझा देता हूं और फिर हम एक डायग्राम निकालेंगे जो इजी होगी, आपको आसानी होगी समझने के लिए, सर्विस प्रोवाइडेड, एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो मोटर व्हीकल, ओके यहां पे मोटर व्हीकल, डोंट राइट एनीथिंग पहले समझ लो, मोटर व्हीकल रेंट पे देता है, मोटर व्हीकल रेंट पे देता है, ठीक है, तो अब मोटर व्हीकल में क्या क्या आ सकता है बेटा, मोटर व्हीकल में उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मोटर व्हीकल फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कोई भी मोटर व्हीकल जो रेंट पे देता है, देखो हाँ एक चीज समझ लेना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन दोनों में डिफरेंस है, हैं? अब ये क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको याद आ रहा है कि एग्जम्पशन देखा था बाय रोड बाय रिवर बाय एयर ब्ला 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 ब्ला, कुछ याद आया आपको, हाँ तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन दोनों में फर्क है, भाई क्या फर्क है सर बताइए तो, ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब ओके यहां पे ऑटो आपका है, तो समझ लो ये ऑटो है, एग्जाम्पल लेते हैं ये ऑटो है, सो नाउ ये अगर रिक्शा है इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ओके डायग्राम पे नहीं जाने का, ये रिक्शा है तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है ये आपको बिठा रहा है, पैसेंजर्स को बिठा रहा है और ये पैसेंजर्स को लेके जा रहा है, मतलब उसके वो ऑटो आपको पूरा रेंट पे दे रहा है कि आपको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो आपको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो पैसेंजर्स को बिठा रहा है और इस पैसेंजर्स को वो लेके जा रहा है, मतलब ऑटो पे कंट्रोल पूरा उसका है, कस्टडी उसकी है, सब कुछ उसका है, आप बैठिए और चलिए, उसको कहते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर आपको याद होगा तो मीटर कैब या ऑटो रिक्शा
अगर आपको याद होगा तो ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ये एग्जम्प्ट है। मतलब इंडिया में कोई ऑटो वाला या कैब वाला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा, पैसेंजर को बिठाएगा और लेके जाएगा, तो वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट ही है। अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो फिर नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज वगैरह ये सवाल ही नहीं आता है। ये मेरी बात समझ में आपको? लेकिन बेटा अगर यही मोट रेंटिंग, मतलब क्या, आपके पास बस है, आपके पास ट्रक है, ओके, आपके पास ऑटो है या कोई भी मोड, आपके पास कार है, ओके, और ये जो बंदा जिसके पास, ओके, बस, ट्रक, ऑटो, कार, तो मेरे पास बस है, मेरे पास ट्रक है, मेरे पास, ओके, ऑटो है, कार है, तुम्हारे पास का है, अब ये मत बोलना कि मेरे पास माँ है, माँ, ओके। सो ऐसे सिचुएशन में कि भाई ये बंदे के पास बसेस होगी, ट्रक्स हो गए, ऑटो होगा, कार होगी, और वो रेंट पे दे रहा है। ये मोटर व्हीकल जो है बेटा, ये मोटर व्हीकल वो रेंट पे दे रहा है, ध्यान से सुनना, वो रेंट पे दे रहा है, ओके। तो वो किसी को रेंट पे देता है, भाई देख रहे मंथली तूने मुझे ये दे देना या डेली रेंट ये दे देना, टेक अ कस्टडी, हाँ टेक अ कस्टडी ऑफ दिस गुड्स, लेके जा। तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं दे रहा है, वो कार रेंटिंग पे दे रहा है, मंथली बेसिस पे दे रहा है, ऑटो डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे रेंट पे दे रहा है। तो इस हायरिंग या रेंट चार्जेस पे जीएसटी लगता है। यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है, यहाँ जीएसटी पेबल है, यहाँ जीएसटी पेबल है, यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो आई होप आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इन दोनों शब्दों में आपने क्लियर डिफरेंस समझ लिया हो, ओके। तो ये जो रिवर्स चार्ज है, ये रिवर्स चार्ज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं है, वो कि इसमें सप्लायर ही टैक्स देगा, कम ऑन, ये रिवर्स चार्ज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं है, वो कि इसमें सप्लायर ही टैक्स देगा। बेटा ये रिवर्स चार्ज जो है, ये रिवर्स चार्ज कब अप्लीकेबल है? तो ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है जब आप अपना मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को 5% का जीएसटी रेट दिया, 5%, 5%, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा चलो यार तुम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो तो 5% का जीएसटी रेट देते हैं हम आपको, लेकिन ये 5% का जीएसटी इस शर्त पे दिया, जीएसटी टैरिफ में अगर आपने आप इनफ मैच्योर हो गए तो देखो जीएसटी टैरिफ में बहुत से सर्विसेज 5% पे है, पर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो नाउ ये जो जो भी रेंट पे दे रहा है उस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है बेटा कि वो इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी नहीं ले सकता, ओके, वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के आईटीसी नहीं ले सकता, ये 5% का टैक्स देने के लिए। आई रिपीट, वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकता। लिखना हो तो रफ में लिखना, या नीचे किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा आपको, ओके। पहले समझ लो कंसेप्ट को, समझ लो तो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स का उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, हाँ उसको इनपुट सर्विस का मिलेगा, लेकिन उसकी इनपुट सर्विस में अगर वो किसी से सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब किसी से मोटर व्हीकल रेंटिंग पे लेता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लेता है जिसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है, तो अगर जो वो सप्लाई कर रहा है रेंटिंग वैसा ही सर्विस किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, आई रिपीट, आई नीड योर अटेंशन, वैसा ही सर्विस किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, तो इसका इस पर जो भी जीएसटी दिया, ये जीएसटी वो 5% के अगेंस्ट में उसका आईटीसी ले सकता है, ओके, ये 5% के अगेंस्ट में उसका आईटीसी ले सकता है, लेकिन अदर इनपुट सर्विसेज का आईटीसी वो नहीं ले सकता, अदर इनपुट सर्विसेज का वो आईटीसी नहीं ले सकता। ये रिवर्स चार्ज आने के पहले ये स्कीम थी, कमन कमन कमन, रिवर्स चार्ज आने के पहले ये स्कीम थी। मतलब क्या, इंडिया में जो भी अपने मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है और वो 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, इनको 18% भी है पर 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, तो ओके रिवर्स चार्ज आने के पहले की सिचुएशन बता रहा हूं, तो वो 5% से डायरेक्ट देगा, सप्लायर ही टैक्स देगा। आई रिपीट, कौन टैक्स देगा बेटा? सप्लायर, सप्लायर ही टैक्स देगा, ये समझ में आया, सप्लायर ही टैक्स देगा, लेकिन आई रिपीट, लेकिन वो इनपुट का आईटीसी नहीं ले सकता, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकता, और इनपुट सर्विस का, आई रिपीट, वो इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं ले सकता, पर
अगर सिमिलर लाइन वाली इनपुट सर्विस होगी, आई रिपीट, सिमिलर लाइन वाली इनपुट सर्विस होगी तो वो फिर उसका आईटीसी ले पाएगा। आई रिपीट, वो उसका आईटीसी ले पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब देखो यहां पे वो क्या कहते हैं, अब रिवर्स चार्ज आ गया और ये रिवर्स चार्ज जो आया, ओके, 30/9/2019 को, यानी 30 सितंबर से क्या हुआ, 30 सितंबर के पहले की पोजीशन मैंने आपको सिखा दी कि क्या थी, 5% था, फॉरवर्ड चार्ज में था और उनको क्रेडिट नहीं थे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अब क्या हुआ, 30 सितंबर के बाद इंडिया में कोई भी सर्विसेज देगा, कौन सी सर्विस देगा बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कम ऑन, अगर कोई भी सर्विसेज देगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस देने वाला कोई एनी पर्सन होगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, आई रिपीट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पेइंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5%, 2.5% मतलब 5% वाला ऑप्शन ले रहा है। तो ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में, बात सुनो मेरी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में यहां पे दो ऑप्शन है, आपको 18% भी है और आपको 5% भी है, पर आप 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो, ओके, 5% ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स रेट ओनली ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द नेम इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो ऐसे केस में अगर ये सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, यानी रिवर्स चार्ज कब लगेगा, रिवर्स चार्ज तब लगेगा अगर ये सर्विस किसको दी गई बेटा, ये सर्विस ओनली बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई, तो वो केस में बॉडी कॉर्पोरेट उसका टैक्स पे करेगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। आई रिपीट, ये वर्ड हर जगह रिवर्स चार्ज में अच्छे से पढ़ने का, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में ओके वो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा। ओके, थोड़ा इसको और ऐसे समझाता हूं, देखो, नाउ सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस उसके पास, हाँ दो सप्लायर लेता हूं, एक सप्लायर जो है पर्सन, डोंट राइट एनीथिंग, पहले पर्सन अदर देन बीसी, बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, साइड में लिख दो, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और सप्लायर एस वन, एक मिनट, वो यहां पे मोटर व्हीकल और दूसरा बीसी बॉडी कॉर्पोरेट, और वो मोटर व्हीकल, वो मोटर व्हीकल अगर ये किसी अनादर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, और किसी अदर को दे रहे हैं, रिसिपिएंट, और यहां पे रिसिपिएंट अदर देन बीसी, अदर देन बीसी, ठीक है, और यहां पे रिसिपिएंट अदर देन बीसी, रिसिपिएंट अदर देन बीसी, समझ में आया। तो मैंने दो सप्लायर लिए, ये पहला सप्लायर एस वन और ये दूसरा सप्लायर एस टू, एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर एस टू बॉडी कॉर्पोरेट है, इनकी सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सर्विस क्या है बेटा, सर्विस है रेंटिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इनकी सर्विस है। तो ऐसे केस में अगर पर्सन यहां पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, आई रिपीट, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो ही रिवर्स चार्ज है, तो ये केस में यहां पे आरसीएम अप्लीकेबल होगा, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो ही रिवर्स चार्ज है,
और ये बॉडी कॉर्पोरेट इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए बेटा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन ये पर्सन किसी और को देता है तो रिवर्स चार्ज नहीं, वो केस में बताओ क्या अप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। मतलब वो पर्सन खुद रेंट पे टैक्स देगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। तो आई रिपीट, अगर सप्लाई करने वाला कोई ऐसा पर्सन है जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को देगा तो ही रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, तो ही यहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अगर वो किसी और को देगा तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में वही टैक्स देगा, 5% के ऑप्शन में वही टैक्स देगा, और यहां पे 5% के ऑप्शन में रिवर्स चार्ज आएगा। तो यहां रेट 5% ही लगेगा और यहां भी रेट रिवर्स चार्ज में 5% ही लगेगा, पर ये 5% कौन पे करेगा बेटा, रिसिपिएंट पे करेगा। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन ये जो रिवर्स चार्ज है वो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, आई रिपीट, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये रिवर्स चार्ज ही अप्लीकेबल नहीं है, रिवर्स चार्ज उसको ही अप्लीकेबल है अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब ओके, यहां पे दोनों भी, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट को दे या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे, दोनों भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे, फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे, और ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, और नो डाउट रेट 5% और रेट 5%। ओके, पर वो बॉडी कॉर्पोरेट को दे या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे, 5% में ही टैक्स लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि 5% में टैक्स लगाया जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं, इन दोनों को भी, अगर ये 5% वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो इन दोनों को भी ओके, यहां पे इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस ओके, इसकी अगर हम आईटीसी की बात करें तो इनपुट के आईटीसी नहीं मिलेगे, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलेंगे, और इनपुट सर्विसेज में ओके, इनपुट सर्विस में अदर होगी, लिख सकते हो आप अदर होगी तो नहीं मिलेंगे। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो उसका, यानी रेंटिंग होगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसका आईटीसी मिल जाएगा। पर बेटा ये आईटीसी भी मिलने के बाद भी उसको वो आईटीसी जो इनपुट सर्विस का आईटीसी वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योरिटी सोचो, क्योंकि उसका पार्ट सप्लाई फॉरवर्ड में है, पार्ट सप्लाई रिवर्स में है। जो पार्ट सप्लाई फॉरवर्ड में है उसमें वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले सकता है, पर जो रिवर्स में है वो एग्जम माना जाता है। मेरी बात समझ में आया ना? जो रिवर्स में एग्जम, मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, टैक्सेबल एंड एग्जम मिक्स कैटेगरी हो गया। मतलब कौन सा, T1, T2, T3 कुछ याद आया क्या, T4, उस रेशियो में उसको बायफर्गेट करना पड़ेगा। और यहां पे अगर आईटीसी अवेलेबल और आप लिखना है तो लिख देना रूल 42 इज अप्लीकेबल, उसको रूल 42 के हिसाब से उसको बायफर्गेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक सप्लाई जो है वो एग्जाम में जाएगा आरसीएम वाला, और दूसरा सप्लाई जो है वो यहाँ पे 5% में रहेगा, और एक ही इनपुट सर्विस का वो आईटीसी ले पाएगा और उसको भी रूल 42 अप्लाई करेगा। ठीक है, नाउ बॉडी कॉर्पोरेट, जहां तक बॉडी कॉर्पोरेट की आईटीसी की बात है बेटा ओके, तो बॉडी कॉर्पोरेट की आईटीसी की बात है तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है इनपुट का नहीं ले सकता 5% के लिए, कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकता। और जहां तक इनपुट सर्विस की बात है बेटा, तो इनपुट सर्विस में अदर होगा, अदर्स होगी तो नहीं ले सकता। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, और उसको बायफर्गेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका दोनों फॉरवर्ड चार्ज में है, तो उसको बायफर्गेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बेटा तब कब होगा जब 5%, लेकिन अगर आपके पास जगह हो, निकालो ना कहीं से भी ऐसा थोड़ी सी बहुत जगह ओके, जगह हो तो एक नोट जरूर लिखना है, अगर थोड़ी बहुत जगह हो तो, या फिर यहां स्टिकी नोट्स लगा के लिख देना, जगह हो तो लिख देना। Now, ये लिखना, द प्रोविजन ऑफ आरसीएम इज नॉट अप्लीकेबल, द प्रोविजन ऑफ आरसीएम इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल इफ सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स,
इफ सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट 18%, फिर ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, फिर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा. सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट 18%, एट द रेट 18%, तो फिर ये कुछ भी अप्लाई नहीं किया जाएगा. डायरेक्ट 18% ले लिया, मेरी बात समझो आप, डायरेक्ट 18% ले लिया एंड दैट्स ऑल. ओके, तो 18% लेके खत्म कर दिया जाएगा, फिर उसको पूरे क्रेडिट भी मिल जाएगा. सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट 18%, 18% लेके आपने आगे लिखना विथ फुल ITC, विथ फुल ITC, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा. रिवर्स चार्ज तभी अप्लाई होगा जब वो 5% ले रहा है, सप्लाई करने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डन. तो चलो, ये हमारी एंट्री खत्म हुई. नेक्स्ट एंट्री है बेटा, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ SBI. सर्विस देने वाला लेंडर, दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज ऑन हिज बिहाफ विद द अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ SEBI टू बोरोवर. पर्सन लायबल टू पे टैक्स बोरोवर, दैट इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज. पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनिएगा. सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 के तहत, ओके, एक बहुत अच्छा स्कीम ये था कि समझ लो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं और मैं जब भी शेयर खरीदता हूं तो मैं ये आगे के 10-15 साल के हिसाब से शेयर परचेस करता हूं. समझ लो मैंने SBI के शेयर परचेस करके रखे और इंफोसिस के शेयर परचेस करके रखे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगले 15 साल में सच में कुछ नहीं करने वाला. अब एक दिन विजय सर मेरे पास आए और विजय सर ने कहा कि सर आपके पास SBI के शेयर पड़े हैं, ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लो आप. मैंने कहा नहीं भाई, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, मार्केट फ्लक्चुएशन में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अगले 10-15 साल जो है उसमें बिलीव करता हूँ. उसने कहा सर मेरी बात सुनो, ट्रेड कर लो उसको, बहुत आपको फायदा मिलेगा, ऐसा होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परचेस कर लेना, अभी बड़ा हुआ है, मार्केट गिरेगा, इकोनॉमी स्लो है, ग्रोथ GDP डाउन हुआ है, BJP ध्यान भटका रही है, BJP के यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तरफ CIB एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके तरफ ध्यान ले जा रही है, मैं BJP के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना विजय सर है. सो ऐसे सिचुएशन पे यहाँ पे तो सर आप बेटर एक काम करो, ओके, अभी ट्रेड कर लो. मैंने कहा मैं बिलीव नहीं करता हूँ विजय. फिर विजय ने कहा सर एक काम करते हो. मैंने कहा क्या सर? आपके पास 4,000-5,000 शेयर पड़े हैं, बहुत बल्क शेयर पड़ा हुआ है आपके पास इंफोसिस और SBI का. हाँ, तो सर आप मुझे लेन कर दो 6 महीने के लिए, मैं उसमें ट्रेडिंग करूंगा और आपको मैं प्रीमियम दे दूंगा उसका, या जो भी आपका लेंडिंग फीस होगी वो मैं आपको पे कर दूंगा, जो भी मुझे फायदा होगा उसका प्रीमियम आपके साथ शेयर कर लूंगा. आप मेरे डीमैट में आप डिपॉजिट कर दो, लेंडिंग कर दो और मैं उसमें ट्रेड करूंगा और 6 महीने के एंड तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मैं आपके शेयर आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दूंगा. इसको कहते हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम. तो मैं हुआ लेंडर, विजय सर हुए बोरोवर. आई रिपीट, मैं हुआ लेंडर, विजय सर हुए बोरोवर. तो ऐसे सिचुएशन में अगर लेंडर सिक्योरिटीज देता है बोरोवर को और उससे प्रीमियम मिल रहा है या उससे जो फीस मिल रही है, तो वो केस में ओके, यहां पे उस पे GST आएगा. आई रिपीट, उस पे GST आएगा, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो सर्विस की डेफिनेशन कहती है एनी ट्रांजेक्शन विच फैसिलिटेट, आई रिपीट, एनी ट्रांजेक्शन विच फैसिलिटेट और अरेंजिंग द डील ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये सर्विस के डेफिनेशन में बिल्कुल आता है, जिससे जो मैं पैसा कमा रहा हूं लेंडिंग से वो फैसिलिटेट कर रहा है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन या डील, ओके, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का. तो डेफिनेटली उसके ऊपर GST आएगा और उसके ऊपर बेटा यहां रिवर्स चार्ज लाया गया है. अगर लेंडर अगर बोरोवर को, आई रिपीट, लेंडर अगर बोरोवर को देगा तो रिवर्स चार्ज में ओके, यहां पे उस पर ओके, यहाँ रिवर चार्ज में बोरोवर को टैक्स देना पड़ेगा. यानी जो भी बोरोवर, अरे विजय सर प्रीमियम देंगे या फीस देंगे, तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी बोरोवर पे डाली गई है, लेंडर पे नहीं डाली गई है. ये अच्छा भी किया है, क्योंकि बहुत सी बार लेंडर सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन नहीं है, क्यों वो GST में रजिस्टर करे? बहुत से सैलरीड पर्सन है, डॉक्टर है, ये है वो है, करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, क्यों GST में रजिस्ट्रेशन ले?
आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं बाद में लूंगा, पहले 9-4। हाँ, यहाँ पे लेंडर और बोरोवर, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी है जो सीबीआई ने दिया है। कुछ मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये चैप्टर के एंड में वो क्लैरिफिकेशन भी ले लूंगा, ठीक है? उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, 9-4 के रिवर्स चार्ज में। हाँ, ये 9-4 के रिवर्स चार्ज में ये लास्ट टाइम की ही अमेंडमेंट्स है। लास्ट टाइम मैं फिर से ही अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार इस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं 9-4 का रिवर्स चार्ज के अमेंडमेंट्स पे। पर ख्याल रहे कि ये अमेंडमेंट लास्ट नवंबर में भी अप्लीकेबल थी, और वापस इस बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि कुछ रेगुलर बुक्स में ये अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, या फास्ट ट्रैक कोर्स के इसमें ये अमेंडमेंट्स जो है मैंने अमेंडमेंट में कवर किया था पर बुक में नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, पर फिर से कह रहा हूँ, ये नवंबर 2019 की अमेंडमेंट्स है, जो मैं मई के लिए वापस एक बार अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखो वो क्या कहता है, रिवर्स चार्ज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। आई रिपीट, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे 9-4 तो मैंने पहले भी पढ़ाया था और भी बताता हूँ, 9-4 अमेंड हो गया है। अब मियरली अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अगर गुड्स लेगा या सर्विस लेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, अब वो उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है कि अगर हम कुछ गुड्स स्पेसिफाई करेंगे और सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे, अब सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं, हम कुछ गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे, और अगर वो गुड्स और सर्विस के सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड होगा और लेने वाला रजिस्टर्ड होगा जो स्पेसिफाइड होगा। आई रिपीट, लेने वाला रजिस्टर्ड होगा जो स्पेसिफाइड होगा, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पे लगेगा। मतलब पहली बात तो 9-4 में गवर्नमेंट क्या करेगी, 9-4 में गवर्नमेंट जो है पहले तो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करेगी कि कौन से गुड्स को 9-4 लगेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो ही रिवर्स चार्ज है। मतलब क्या, अगर वो रजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात, अगर वो रजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज नहीं है, किससे लेते हो तो अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। और लेने वाला जो रजिस्टर बंदा होगा वो भी हम स्पेसिफाई करेंगे, और वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। इसके तहत गवर्नमेंट ने तीन नोटिफिकेशन इशू किए गए, सॉरी तीन केसेस उन्होंने नोटिफिकेशन में इशू की। पहली केस, वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रेस देन 80%, देन लेस देन 80% एंड सप्लाई इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड लेने वाला प्रमोटर या बिल्डर, यू कैन ऑल्सो राइट बिल्डर, तो वो केस में लायबिलिटी जो आएगी वो प्रमोटर पे या बिल्डर पे आएगी। यू इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट बिल्डर। मतलब क्या, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट चालू है, ये प्रोजेक्ट वाइट है बेटा, अगर कोई प्रोजेक्ट चालू है, ओके, बिल्डर का यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, और उसने जो परचेसेस की और परचेसेस इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की, परचेसेस इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की, और गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन, हमारे सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? मतलब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सिर्फ इतना रिवर्स चार्ज आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया था लास्ट टाइम, जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, सिर्फ रिवर्स चार्ज की तीन केसेस दी थी, बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी हमें अप्लीकेबल नहीं है। आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी हमें अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? सो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, सो देखिए, अब ये इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की गवर्नमेंट कहती है आपकी मिनिमम परचेस 80%, आपकी लिखना मत कुछ है, मिनिमम 80% या उससे ज्यादा, 80% और मोर आपकी रजिस्टर्ड से होनी चाहिए, रजिस्टर सप्लायर से होनी चाहिए, और आपका 19% परचेस, सॉरी, ओके, हाँ वो क्या कह रहे, देखो लेस देन 80 मतलब .80 होगा, ओके, .80 होगा तो भी चलेगा, और आपकी 20%, 19 नहीं,
बाय मिस्टेक मैं उसको इस तरह से ले रहा था, पर ठीक है, 20% परचेस आपकी अनरजिस्टर्ड से होगी तो चलेगा, अनरजिस्टर्ड से होगी तो चलेगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, ये तो ठीक है। बहुत सी बार आपके लेबर पेमेंट, वेजेस या जो भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, छोटी छोटी कभी ओके खिले का काम पड़ जाता है, इसका काम छोटी छोटी परचेस हो जाती है रिटेलर से, तो अनरजिस्टर्ड से 20% आप परचेस कर सकते हो, पर 20% से ज्यादा नहीं। तो अब लॉ क्या कहता है, ये लॉ आपको लिखना है। और अब अगर आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि मिनिमम 80% परचेस आपकी रजिस्टर से होनी चाहिए और 20% अनरजिस्टर्ड से किया तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपकी अगर परचेस 60% परचेस आपकी रजिस्टर से हुई, 60% परचेस आपकी रजिस्टर से हुई, अब आपको कट ऑफ पॉइंट क्या दिया था बेटा, आपको कट ऑफ पॉइंट दिया था 80%, आपको कट ऑफ पॉइंट दिया था 80, और आपने जो है 60% परचेस ही अनरजिस्टर्ड से किया, तो ये जो 80 होने के लिए जो डिफरेंस आएगा, आई रिपीट, 80 होने के लिए जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, एक काम करता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझो, 65% लेता हूं, 65% आपकी रजिस्टर्ड से हुई, करेक्शन कर लेना, 65% आपकी रजिस्टर से हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन से हुई है। अब इसको 80 होने के लिए कितना डिफरेंस आया बेटा, 15% और बाकी बचा हुआ 20%, बाकी बचा हुआ 20%। तो ये जो 15% डिफरेंस आया, आई रिपीट, ये 15% जो डिफरेंस आया, मेरी बात समझ रहे हो आप, तो ये जो 15% डिफरेंस आया, ये जो अनरजिस्टर्ड से टू मेक इट 80, ये 15% पे आरसीएम लग जाएगा, आरसीएम एंड प्रोमोटर, प्रमोटर इज लायबल टू पे, लायबल टू पे, लेकिन इस 15% पे ही लगेगा आरसीएम, बचे हुए 20% पे नो आरसीएम। अगर ये बचा हुआ 20% अनरजिस्टर्ड से है, अनरजिस्टर्ड से, तो नो आरसीएम, नो आरसीएम। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपकी 80% से कम परचेसेस रजिस्टर से होती है तो जो गैप है, आई रिपीट, जो गैप है उसको ही आरसीएम है, ओके, ये जो बाकी बचा 20% है उसको आरसीएम नहीं, मतलब ऐसा मत ले लेना 35% अंडर आरसीएम, नहीं, 35% आरसीएम में नहीं होगा, जो बचा हुआ है वही आरसीएम होगा, वो केस में प्रमोटर टैक्स देगा, और ये बचा हुआ 20% कोई टैक्स नहीं देगा, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट जो है कोई टैक्स नहीं देगा बेटा, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहती है कि आपको मिनिमम 80% तो हर बिल्डर को या प्रमोटर को रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा, अगर उससे कम खरीद लिया तो जो बचा हुआ पोर्शन है, टू मेक इट 80%, आई रिपीट, टू मेक इट 80% जो बचा हुआ पोर्शन है उसका रिवर्स चार्ज में, ओके, जो डिफरेंस है टू मेक इट 80%, उस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये तो था बेटा इनपुट और इनपुट सर्विसेज रिलेटेड, ये था सभी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज रिलेटेड, ठीक है, कैपिटल गुड्स नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। दूसरा, दूसरा, लेकिन अगर उस इनपुट में सीमेंट होगा, आई रिपीट, उस इनपुट में सीमेंट होगा, तो सीमेंट अनरजिस्टर्ड से खरीदा और प्रमोटर ने खरीदा तो लायबिलिटी पूरी प्रमोटर पे ही आएगी। आई रिपीट, सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो वो इवन वैल्यू ऑफ रूपी वन उसको 80% नहीं, यानी सीमेंट आपको पूरा रजिस्टर से ही खरीदना पड़ेगा, एंटायर परचेस फ्रॉम रजिस्टर पर्सन, सीमेंट छोड़ के बाकी आय और आयस को हम 80% में ले लेंगे, पर अगर सीमेंट होगा तो पूरा का पूरा आपको रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी अनरजिस्टर से खरीदा या ₹1 का भी अनरजिस्टर से खरीदा तो वो केस में आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई कर दिया जाएगा। और कैपिटल गुड्स को भी पूरा ऐसा ही बेटा, कैपिटल गुड्स पूरा रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा, अगर कोई भी कैपिटल गुड्स आपने अनरजिस्टर से खरीद ला तो पूरा प्रमोटर पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये था बेटा जो लास्ट टाइम था, ध्यान से सुनिएगा, सीमेंट और कैपिटल गुड्स पूरा आपको रजिस्टर से ही खरीदना पड़ेगा, और इनपुट सर्विस 80% तक रजिस्टर से और ऊपर का
अनरजिस्टर्ड से अलाउड है, पर 80% से कम आपने अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो टू मेक इट 80%, वो 80% बनाने के लिए जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग टू ओके थ्री नोटिफिकेशंस ओके अंडर 9.4 जो मैंने आपको पढ़ाया. अभी प्रमोटर के लिए एक नया स्कीम आया है 1%, 5%, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद में आरसीएम आपको 18% का हो सकता है, सीमेंट 28% का हो सकता है अगर आप आरसीएम में टैक्स दे रहे होगे. तो ये रेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये याद रख लो कि कब क्या एप्लीकेबल होगा. हेलो फ्रेंड्स, तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन लेवी में, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में है. ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिशन लेवी में क्या अमेंडमेंट हुई है? बहुत एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है. ये अमेंडमेंट बस एक लाइन की, एक वर्ड की अमेंडमेंट है. इसके अलावा ये चैप्टर में कंपोजिशन स्कीम में और कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स नहीं है. ओके, तो सर बताओ ये छोटी सी अमेंडमेंट्स क्या हुई है? तो ये अमेंडमेंट ये हुआ बेटा कि अगर आपको याद होगा तो कंपोजिशन स्कीम जब आप लेते हो तो कुछ शर्तें आपको पूरी करनी पड़ती है. देर आर सर्टन कंडीशंस विच यू हैव टू कंप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम. डू यू रिमेंबर ऑल दोज कंडीशंस? यस, बताइए कौन सी कंडीशंस. तो पहली कंडीशंस जो है कंपोजिशन स्कीम में कि अगर आपको सेक्शन 10(1) में कुछ सर्विसेज अलाउ किया होगा, जैसे रेस्टोरेंट या 10% ऑफ प्रोसीडिंग ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतनी ही सर्विसेज मैन्युफैक्चरर या फिर यहाँ रेस्टोरेंट और कैटरिंग या ट्रेडर सेक्शन 10 की स्कीम में सर्विसेज दे सकता है. उससे ज़्यादा अगर वो सर्विसेज देता है तो ओके कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेगा, ECO सप्लाई करेगा. और उसके बाद में उन्होंने जो एक लास्ट कंडीशन है उसमें अमेंडमेंट है. वो लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है ये है कि अगर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर होगे, आई रिपीट नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर होगे तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. तो अब कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर? तो या हेडिंग नंबर 2105-00 में ओके आइसक्रीम एडिबल आइस, ये पहले भी था और अभी भी है. उसके बाद में पान मसाला, ये पहले भी था और अभी भी है. ऐड जो हुआ है बेटा वो एरिएटेड वाटर. यस, एरिएटेड वाटर उन्होंने ऐड किया है, यानी एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर है, जो मिनरल वाटर्स होते हैं, बिस्लरी वगैरह ओके, या जो छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं, तो एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. पर ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे है, ट्रेडर पे नहीं है या रेस्टोरेंट और कैटरिंग पे नहीं है. तो अगर कोई ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला ओके एरिएटेड वाटर सप्लाई करता है तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी. आर यू वेटिंग में? तो ये था रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम ओके यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट ये हमने अभी देखा एरिएटेड वाटर से रिलेटेड. नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 2019 था कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विसेज ओके, आपको याद होगा तो कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, इनको भी यहाँ पे ओके सेम रिस्ट्रिक्शन डाला है कि जैसे जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर के थे, तो ये जो नोटिफिकेशन था कंपोजिशन लेवी फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इनको भी ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है. क्या रिस्ट्रिक्शन डाला गया है? कि ये जैसे पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स या फिर आइसक्रीम वगैरह सप्लाई नहीं कर सकते, उसमें भी ऐड किया गया है. और वो ऐड किया गया है एरिएटेड वाटर, यानी एरिएटेड वाटर ये दोनों जगह सेक्शन 10 की कंपोजिशन स्कीम और इस नोटिफिकेशन की जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम है इसमें भी ऐड किया गया है ओके. बस इतना सा चेंज हुआ है कंपोजिशन स्कीम में, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है ओके. तो यहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है ओके कंपोजिशन स्कीम. इसके अलावा ओके यहाँ पे कोई अदर अमेंडमेंट्स नहीं है.
बेटा यहां एक क्लैरिफिकेशन ऐड किया है और वो 20th जून 2019 को आया, और ये क्लैरिफिकेशन जो 20th जून 2019 को आया ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इन एग्जाम के हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। अब हम देखेंगे बेटा यहां पे ट्रांजैक्शन आपका क्या है, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। तो सर्कुलर पढ़ने के पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, और थर्ड वैल्यूएशन में क्या होगा, वैल्यूएशन में क्या होगा, उसके बाद में एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी और पेनल्टी, हम बात कर रहे हैं एडिशनल इंटरेस्ट, और उसका वैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका ट्रांजैक्शन लोन एडवांसेस, लोन एडवांसेस या डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, तो इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है, इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है एंड नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। और सेकंड आपका जो इंटरेस्ट है वो है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और ये सेकेंड इंटरेस्ट जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है इस पे लगने वाला इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये सेक्शन 15(2)(d) में, सेक्शन 15(2)(d) में टू बी एडेड, टू बी एडेड इन वैल्यू, इन वैल्यू। और अगर उस पर एडिशनल इंटरेस्ट लगता है, एडिशनल इंटरेस्ट, अब हम बात करेंगे एडिशनल इंटरेस्ट की या लेट फी की, व्हाट इज दिस एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी, समझ लो। बहुत सी बार आपने बैंक से लोन लिया, पहला ट्रांजेक्शन लेता हूं, आपने बैंक से लोन लिया, और आपने जो बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने जो बैंक से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट तो नो डाउट जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्प्ट है, पर आपने ड्यू डेट में इंटरेस्ट भी नहीं पे किया और उसके इंस्टॉलमेंट भी नहीं की पे, तो फिर बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगी या इंटरेस्ट की लेट फी लगाएगी या पेनल्टी लगाएगी, जो भी है। तो आपने बेसिक इंटरेस्ट और उसके ऊपर बैंक जो है एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है, हम स्पेशली अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे कि बैंक से लोन लिया, आपने उसका, आप पे इंटरेस्ट लगा, आपने वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया और बैंक ने जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या लेट फी लगा दी, तो क्लैरिफिकेशन आया, अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट ही एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा और नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कम ऑन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, वैल्यू में वो एड नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से, अगर बेसिक इंटरेस्ट ही आपका, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक इंटरेस्ट ही आपका एग्जम्प्ट है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, क्योंकि आपने विद इन टाइम पे नहीं किया, तो ऐसे केस में लोन एडवांसेस बैंक हो या कोई भी हो उसके ऊपर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा और वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। पर
अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट लगाया होगा डेटर को या लेट फी या पेनल्टी लगाई होगी, तो बेसिक इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी ऐड होती है, तो इसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट होगा, यानी इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, तो फिर ये वैल्यू में ऐड होगा, टू बी एडेड इन वैल्यू। टू बी एडेड इन वैल्यू का मतलब अगर तुम्हारा बेसिक इंटरेस्ट या लेट फी पेनल्टी ऐड हो रहा है तो उस पर अगर आपने फिर से इंटरेस्ट लगाया होगा, लेट फी लगाई होगी या पेनल्टी लगाई होगी जो एडिशनल है, तो वो एडिशनल लेट फी पेनल्टी में वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो इस बेस पे मैं ये सर्कुलर पढ़ता हूं और ये सर्कुलर में दिए हुए एग्जाम्पल्स मैं यहां लेता हूं। देखो, वॉट इज द इश्यू, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल और पिनाल इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड स्पेसिफिकली, एडिशनल और पिनाल इंटरेस्ट on overdue of loan, whether it would be exempt from GST or such penal interest would be treated as consideration for liquidated damages amounting to separate taxable supply. Dusra, whether levy of additional or penal interest could be regarded as a consideration received for agreeing to an obligation to refrain from an act or to and tolerate an act or situations or to do an act. फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन उन्होंने दी है। मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन लेता हूं और आप एक एक बात को समझ लो। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, केस वन, मैं यहां केस वन लेना चाहूंगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल केस वन, समझ लो आपकी मोबाइल शॉप ही है, आपकी ये मोबाइल शॉप ही है और एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने, एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने। नाउ हमारे मोबाइल की प्राइस है, ध्यान से सुनना, हमारे मोबाइल की प्राइस है 40,000। चलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, पर ये बंदा इंस्टॉलमेंट में, ये बंदा जो है इंस्टॉलमेंट में यहां पे हमसे मोबाइल खरीदना चाहता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदना चाहता है, मतलब एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदेगा तो हमारी प्राइस रहेगी, मोबाइल की प्राइस रहेगी यहां पे इंस्टॉलमेंट के लिए 44,000। क्यों 44,000? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है, वो जो पैसा देगा मोबाइल का वो इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में वो यहां पे 4 इंस्टॉलमेंट ले रहा है फॉर ₹11,000, ऐसे 44,000 में। मतलब अगर आप डायरेक्ट मोबाइल खरीदते हो तो 40,000, अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेते हो तो यहां पे 44,000 बंदे ने इंस्टॉलमेंट में खरीदा। अब इंस्टॉलमेंट दिया मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, हाँ या ना भाई? हाँ हाँ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ। अब नाउ ये 44,000 में 40,000 जो है वो 40,000 आपकी एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है। और जो 4,000 है बेटा, ये 4,000 जो है आपका नाउ यहां पे इंटरेस्ट है। अब पहला सवाल, जो आपने 4,000 इंटरेस्ट लगाया क्या वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया? यस, आपने जो 4,000 इंटरेस्ट लगाया डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट देगा। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये 4,000 वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, टू बी एडेड इन वैल्यू। तो आपका यहां पे टैक्सेबल वैल्यू जो लिया जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 44,000 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है। यहां तो कोई डाउट? तो इंटरेस्ट जो है वो, दो मिनट बेटा, इंटरेस्ट जो है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है। इज इट क्लियर? अब अगर आपका कस्टमर, आपका जो कस्टमर था, फेल टू पे इंस्टॉलमेंट, फेल
टू पे इंस्टॉलमेंट, उसने इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी। अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसको एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट या फिर लेट फी लगाई गई, और लेट फी लगा गई एक्स्ट्रा एडिशनल, और वो लेट फी लगाई गई 500 रुपए। नौ सवाल है, ये 500 रुपए का क्या होगा? क्या ये भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा? यस, ये क्लैरिफिकेशन देता है। जैसे हमने ऊपर के टेबल में देखा, अगर आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का है तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी ऐड किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी 500 रुपए लगाया गया, ये भी एडेड, एडेड इन वैल्यू, इन वैल्यू यहां पे, और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। डन बेटा, ये था रिगार्डिंग टू 500 रुपए। पर मैं दूसरी केस स्टडी लेता हूं, यहां पे दूसरा केस स्टडी लेता हूं, केस टू। आपकी मोबाइल की शॉप है, ओके, आपका मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का शॉप। नाउ कस्टमर जो आपके पास आया, उसने आपको मोबाइल मांगा, आपने कहा भाई हमारी प्राइस तो 40,000 रुपए है, अवर प्राइस इज 40,000। पर उसने कहा कोई फाइनेंस, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो फाइनेंस, सप्लायर ने कहा कि हम तो फाइनेंस नहीं करते हैं, पर हां आप एक काम कर सकते हो, हमारे यहां बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस करती है, तो आप बजाज फाइनेंस का एप्लीकेशन दे सकते हो। ये बंदे ने बजाज फाइनेंस से पैसा उठाया, बजाज फाइनेंस ने उसको ओके पूरा मोबाइल फाइनेंस किया, जिसमें प्राइस थी 40,000, उसको पैसा दिया, प्राइस थी 40,000, और उसको जो लोन दिया गया, नो डाउट अब ये लोन था, ओके लोन 40,000 का, और उसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट लगाया गया, और वो इंटरेस्ट लगाया गया 4,000 प्लस प्रोसेसिंग फीस लगाई गई, और ये प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए लगाई गई। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये 4,000 रुपए जो बजाज फाइनेंस ने चार्ज किए, क्या सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए क्या? सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए क्या? नहीं। पहली बात तो सप्लायर का ये 4,000 से कोई कंसर्न नहीं है, सप्लायर अपना मोबाइल जो है, सप्लायर अपना मोबाइल जो है, सप्लायर यहां अपना मोबाइल 40,000 में बेच चुका है, इसलिए सप्लायर की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, सप्लायर की टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 40,000 ही रहेगी, 40,000 ही रहेगी, और बजाज फाइनेंस ने लगाया लगाया हुआ इंटरेस्ट सप्लायर के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ बात समझ में आई? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो यहां ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, चलो बजाज फाइनेंस ने जो इंटरेस्ट लगाया, क्या बजाज फाइनेंस के इसमें ऐड होगा? नहीं, बजाज फाइनेंस के इसमें भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, ये इसलिए एग्जम्प्ट है। पर हां, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी आएगा, पर इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा। नाउ कस्टमर ने बजाज फाइनेंस को, कस्टमर ने बजाज फाइनेंस को जो लोन का इंटरेस्ट था, कम ऑन, ये जो लोन का इंटरेस्ट था, तो कस्टमर ने वो ओवरड्यू कर दिया, और कस्टमर ने वो ओवरड्यू किया, इसलिए बजाज फाइनेंस ने, ध्यान से देखना, बजाज फाइनेंस ने ओवरड्यू के वजह से, बजाज फाइनेंस ने उसको यहां पे एडिशनल इंटरेस्ट लगाया, एडिशनल इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट या लेट फी लगाई, या लेट फी लगाई, तो और वो लेट फी 500 रुपए लगाई, तो क्या ये 500 रुपए जो बजाज फाइनेंस लगा रही है, अब सप्लायर तो पिक्चर में है ही नहीं, तो ये 500 रुपए जो बजाज के फाइनेंस लगा रही है, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा क्या? ये भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कम ऑन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, कम ऑन, ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट माना जाएगा, और उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी जो है ओके वो वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलो, ये बात तो है कि वो ऐड नहीं होगा। फिर एक और सवाल था, क्या सर इसको हम टॉलरेंस चार्जेस शेड्यूल टू के हिसाब से, शेड्यूल टू पैरा 5 में टॉलरेंस रिफ्रेनिंग
ये चार्जेस क्या बैंक के टॉलरेंस चार्जेस ना माने, क्योंकि बैंक ने तो टॉलरेट किया, उसने ओवरड्यू में ओवरड्यू कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस क्या माने जाएंगे? तो फिर से ये क्लैरिफिकेशन आया कि बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे, ये एडिशनल इंटरेस्ट ही माना जाएगा और ये एडिशनल इंटरेस्ट एग्जम्पशन में रहेगा, बैंक के टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे। हाँ, प्रोसेसिंग फीस पे तो टैक्स आएगा, हम स्पेशली बात करें एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो बेसिक फंडा बस यही है बेटा कि आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट लोन एडवांसेस का होगा तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, उसको एग्जम्पशन मिलेगा। और आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होगा तो फिर उसका लेट इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। नाउ एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो देखो, X सेल्स द मोबाइल फोन टू Y, द कॉस्ट ऑफ विच इज 40,000। X गिव Y एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट, जो हमने केस वन देखा था, INR 11,000 इन ईच और नेक्स्ट 4 मंथ, इन केस इन डिले पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ₹500 का उसको एडिशनल डिले इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगी। इन सेम केसेस सेपरेट इनवॉइस मे बी डन बाय एक्स फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी और इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ एंड एडिशनल इंटरेस्ट। इवन दो उसने सेपरेट इनवॉइस किया होगा, कम ऑन, सेपरेट इनवॉइस जो ₹4,000 इंटरेस्ट लगाया उसका सेपरेट इनवॉइस भी बनाया होगा, यानी हमारे केस में ओके, यहाँ पे 44,000 का उसने जो है फाइनेंस इंस्टॉलमेंट में दिया और ये 4,000 का सेपरेट इनवॉइस भी किया होगा। पर क्लैरिफिकेशन आया कि अगर उसने सेपरेट इनवॉइस भी किया होगा तो वो 4,000 तो वैल्यू में ऐड हो गए ही हो गए, प्लस जो एडिशनल पिनाल इंटरेस्ट है ₹500 वो भी ऐड किए जाएंगे। तो 15(2)(d) के तहत पिनाल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और पिनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एट वुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ मोबाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने मैनर ऑफ इनवॉइस कैसे भी किया हो, उसके ओरिजिनल ₹4,000 एज वेल एज उसके जो है यहां पे पिनल इंटरेस्ट दोनों भी ऐड किया जाएगा। केस नंबर टू, केस नंबर टू में यहां पे केस नंबर वन की डायग्राम आपको अगर निकालनी होगी तो नीचे स्पेस दिया है, आप डायग्राम निकाल लो। ये केस नंबर वन की, मैं 2 मिनट रुकता हूं। चलो, आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा केस ये था कि X सेल मोबाइल फोन टू Y 40,000 फॉर परचेस ऑफ मोबाइल, Y एज एन ऑप्शन टू अवेल लोन इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ फ्रॉम ABC लिमिटेड, हमने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लिया था, या ABC लिमिटेड से। द टर्म लोन अलाउ Y पीरियड ऑफ 4 मंथ टू रिपे द लोन, एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट चार्ज एट 1.25%। तो देखो, पिनाल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन Y एंड ABC, पहले तो ट्रांजेक्शन हमारे एग्जाम्पल में बजाज फाइनेंस और कस्टमर के बीच में होगा, विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, द सेम वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। ओके, पिनाल इंटरेस्ट शैल ऑल्सो नॉट लाइबल टू GST। द वैल्यू ऑफ सप्लायर मोबाइल X टू Y इज 40,000। नाउ सप्लायर और Y हमारे कस्टमर की वैल्यू तो 40,000 ही रहेगी। फर्दर, एनी सर्विस फीज और अदर चार्जेस लेविड बाय ABC लिमिटेड, मतलब फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लोन एंड दैट डज नॉट क्वालिफाई इंटरेस्ट, देन इट वुड बी नॉट एग्जम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब ये कि नाउ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, पिनाल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, लेकिन
अगर बजाज फाइनेंस कंपनी ने यहां पे कोई प्रोसेसिंग चार्जेस जो इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो टैक्सेबल किए जाएंगे? वो टैक्सेबल होगे बेटा, ओके, ओनली इंटरेस्ट होगा। तो सेकंड के नीचे यहां पे ये डायग्राम बना सकते हो, ये केस में आप जो है बजाज फाइनेंस के जगह एबीसी लिमिटेड भी लिख सकते हो और ये डायग्राम बना लो यहां पे। चलो फटाफट, चलिए तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिए। चलो तो इस तरह से हमने देखा, और सेकंड क्लैरिफिकेशन ये भी आ गया, सर्कुलर आल्सो क्लैरिफाइज दैट एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट, एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन रिसीव फॉर रिफ्रेनिंग और टॉलरेंस। है ने? ये जो ₹500 एक्स्ट्रा बजाज फाइनेंस लगा रही है, ये जो है वो ये रिफ्रेनिंग या टॉलरेंस के चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये रिफ्रेनिंग आल्सो नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर टॉलरेंस एंड हेंस not taxable, not taxable, यानी वो भी एग्जम तो रहेगा ही, यानी वो एग्जम तो रहेगा ही बेटा, और यहां पे not treated as tolerance charges और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। डन। चलिए तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे, ओके, ये क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। ओके, आई होप आपने ओके अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, चलो। वेल बेटा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। Very very important amendment. Okay, for your exam. Okay. Now क्या amendment क्या है? देखिए, ITC का section 16 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा मेरे को, बहुत ही simple amendments है, कोई ज्यादा इसमें problem नहीं है, पर ध्यान से सुनो। आईटीसी का सेक्शन 16 क्या कहता है? आईटीसी का सेक्शन 16 ये कहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, आपको आईटीसी लेना है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। जिस तरह से आप सेक्शन 16 ओपन करके रखिएगा सामने अपने बुक में, तो 16(1) कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगे और कुछ ऐसी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के तहत आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, अगर आपने इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज किसके लिए यूज किया, तो आपने जो यूज किया वो बिजनेस के लिए यूज किया।
फिर 16:2 होगा उसके नीचे, देख रहे हो आप मेरे साथ. 16:2 क्या कहता है? 16:2 ये कहता है कि आपको आईटीसी कुछ कंडीशंस में मिलेगा. पहली कंडीशंस क्या? तो आपका इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी सच डॉक्यूमेंट एस मे बी प्रिस्क्राइब, यानी आपका इनवॉइस, डेबिट नोट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब होगा वो आपके पोजीशन में होना जरूरी है. आई रिपीट, आपके पोजीशन में होना जरूरी है. तो अब आईटीसी कौन से शर्तों पे मिलेगा? सेक्शन 16(1) में ये लिखा हुआ है कि इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, मतलब रूल में शर्तें दी जाएगी एलिजिबिलिटी की. दूसरा, सेक्शन 16(2) में ये भी कहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको आईटीसी मिलेगा. सो गवर्नमेंट ने एक रूल ड्राफ्ट किया, रूल 36. रूल 36 में सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 पहले से थे, वो भी मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ. और सब रूल 4 जो है वो नया ऐड किया, सब रूल 4 नया ऐड किया. नाउ रूल 36 कहता क्या है? ठीक है, रूल 36 अगर आप देखो तो सब रूल 1, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है. डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस, मैं दो वर्ड पे ध्यान लाना चाहूँगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होगी और आपकी कौन सी कंडीशंस पे आपको आईटीसी मिलेंगे. डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी, पहला, ये पहले भी था और अभी भी है. द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग आईएसडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है. आपका सप्लायर जो आपको टैक्स इनवॉइस देगा उस पर आप आईटीसी लोगे, ठीक है. दूसरा, इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट. रिवर्स चार्ज में अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो और वो गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है तो रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है जिसपे आईटीसी आप आरसीएम का लेते हो. नेक्स्ट, डेबिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर, सप्लायर जो डेबिट नोट आपको देगा. बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, आईजीएसटी का आईटीसी. रिवाइज इनवॉइस, ओके, रिवाइज इनवॉइस ड्यूरिंग अनरजिस्टर्ड पीरियड, इनवॉइस चैप्टर में हमने देखा था. और डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय आईएसडी, तो ये आपकी आईटीसी लेने की डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होगी. इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको अलग अलग केसेस में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, ठीक है, आईटीसी दे दिया जाएगा. फिर सब रूल 2 क्या कहता है? इनपुट टैक्स शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर पर्सन ओनली इफ ऑल एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6, मतलब चैप्टर 6 मतलब इनवॉइस, बेयर एक्ट का चैप्टर 6, और आपको लिखना है तो लिख सकते हो चैप्टर 6, रीड विथ रूल 46, रीड विथ रूल 46, चैप्टर 6 रीड विथ रूल 46. मतलब क्या? अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपके इनवॉइस में जो रूल 46 में ऐसे टैक्स इनवॉइस की इंफॉर्मेशन, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में जाके देखना, रूल 46 दिया है, अराउंड 2022 इंफॉर्मेशन आपकी वो इनवॉइस में होनी चाहिए. तो रूल 46 में दी गई वो इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस में सब कुछ होनी चाहिए, तो आपका इनवॉइस ऑथेंटिकेट माना जाएगा और आपका आईटीसी डिनाई नहीं किया जाएगा. ओके, तो as contained in said document and relevant information as contained in said document is furnished in GSTR2 by such person. ठीक है, GSTR2 operation में नहीं है लेकिन अभी भी वहाँ रखा है. ओके, कि भाई GSTR2 में आप जो information furnish करोगे या auto update होगी वो information के base पे सभी particulars आपके invoice में होगी जो rule 46 में chapter number 6 of Bear Act उसमें दिया होगा, उसके हिसाब से आप ITC ले सकते हैं. लेकिन उसमें फिर एक प्रोविजो भी इंसर्ट की गई 2018 में, क्योंकि क्या हो जाता था कि भाई जीएसटी एक नया नया लॉ है, एक तरफ आप कहते हो कि भाई उसमें सभी पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, अब बहुत सी बार एचएसएन नहीं होते, एचएसएन देना भी मुश्किल हो जाता है स्पेशली स्मॉल डीलर के लिए. वैसे भी आपको याद होगा तो 1.5 करोड़ तक सप्लायर को एचएसएन देने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट कोड देने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सी ऐसी पर्टिकुलर्स है जो टैक्स इनवॉइस के रूल 46 में दी गई है पर यहाँ सप्लायर देता नहीं है वो पर्टिकुलर्स उसके इनवॉइस में. फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये होने वाला था
कि भाई अगर इक्का दुक्का पर्टिकुलर्स है जो इतनी मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, HSN नहीं है, डेट में थोड़ी बहुत गलती होगी, एड्रेस के स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऐसी छोटी बहुत गलती के वजह से क्या ऑफिसर हमारा ITC डिनाई कर देगा जो GSTR 2A में डिक्लेयर हुआ? तो यहां एक प्रोविजो ऐड की गई और कहा ना 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 ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्या कहते हैं देखो वो प्रोविजो, provided that said document does not contain all specified particulars but contain details of amount of tax charge, description of goods or services and details of amount of tax charge, description of goods or services, total value of goods or services, GSTN of the supplier or recipient, place of supply in case of interstate supply, तो आपका ITC deny नहीं किया जाएगा। चलो भाई, आपके invoice में सभी particulars नहीं भी होगी, पर एटलीस्ट ये पर्टिकुलर्स तो भी ये सही होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको टैक्स कितना चार्ज किया गया, ओके, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या था, गुड्स की सर्विस की वैल्यू कितनी थी, GSTN दोनों के, सप्लायर रिसिपिएंट के और प्लेस ऑफ सप्लाई, एटलीस्ट ये 5-6 पर्टिकुलर्स अगर सही होगी तो आपको ITC दे दिया जाएगा। बाकी इक्का दुक्का जो गलती होगी उसके वजह से ITC नहीं डिनाई किया जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में सबरूल 3 क्या कहता है? सबरूल 3 ये भी कहता है, एक शर्त वो है, नो इनपुट टैक्स रेट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर डिमांड हैज बीन कंफर्म ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब आपके सप्लायर ने कोई फ्रॉड किया होगा जिसके वजह से आपको टैक्स नहीं लगाया या कम लगाया, या कोई मिलफुल मिसस्टेटमेंट किया होगा, सप्रेस किया होगा और वो पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया और ऑफिसर ने उसको डिमांड किया टैक्स का, तो वो आपको कॉल कर रहा है, देख भाई मैंने तेरे को पहले तो टैक्स नहीं लगाया था, GST भी नहीं लगाया था, पर अब ऑफिसर ने मेरे को पकड़ लिया है, वो टैक्स लगा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो अगर मुझे लगा रहा है तो मैं तुझे पास ऑन करता हूँ, तू मुझे दे। तो ओके, गवर्नमेंट कहते हैं ना मुन्ना ना, अगर ऐसे वाले बंदे को तूने अगर दिया पैसा टैक्स का, क्यों? क्योंकि तूने उससे परचेस किया और उसने बंदे ने फ्रॉड किया है, तो तू अगर देगा तो तेरी मर्जी, तू दे दे, लेकिन तू उसका ITC नहीं दे ले पाएगा क्योंकि सामने वाले ने जो टैक्स भरा है वो जो टैक्स है वो फ्रॉड की वजह से, विलफुल मिसस्टेटमेंट की वजह से या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से भरा है। ओके, उसका ITC रिसिपिएंट को नहीं दिया जाएगा। अरे भाई चलो, अच्छी बात है। ओके, यहां तक तो पुरानी प्रोविजन थी। अब ये बड़ी डेंजरस क्लॉज, ओके, निर्मला सीतारामन ने यहां बड़ी गड़बड़ कर दी ये सबरूल 4 डाल के। अब गड़बड़ क्या की सबरूल 4 डाल के? क्या इनपुट टैक्स रेडी टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, पहला वर्ड, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट, the details of which have been uploaded by the suppliers, details of which have not been uploaded by the suppliers, ye suppliers ko bhi aisa box karna, under section 37(1), section 37(1) shall not exceed 20%, ye to bada important hai, 20% of eligible credit, ye eligible credit bhi word important hai, ओके, अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1). पहले तो आपके रेफरेंस के लिए लिख दो, सेक्शन 37(1) जो है वो फाइलिंग ऑफ GSTR 1 है। GST R1, outward supply statement, outward supply statement 37(1). अब ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रोसेस समझ लो। ये नोटिफिकेशन 49/2019 को आया, 9 अक्टूबर 2019 से अप्लीकेबल करवाया। सबको कन्फ्यूजन था कि भाई ये अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, फिर CBIC का क्लैरिफिकेशन आया और CBIC ने अच्छे ढंग से इसको समझाया
क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। पहली बात तो सीबीआईसी ने ये रिस्ट्रिक्शन को बहुत अच्छी ढंग से समझाया, जो क्लैरिफिकेशन हम नीचे देखेंगे। और उसके बाद में ओके यहाँ पे इस नोटिफिकेशन ये भी कहा गया कि भाई ये अक्टूबर से ही अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ये था कि क्या ये अक्टूबर से अप्लाई किया जाएगा या जिस दिन फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनेगा या फाइनेंस एक्ट की प्रोविजन एनफोर्सेबल होगी तब से एनफोर्सेबल होगा। तो कन्फ्यूजन था, लेकिन ये कन्फ्यूजन सीबीआईसी ने क्लियर किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं 20% के, सब रूल 4 रूल 36 में 36(4) आज का एक बर्निंग इश्यू है। ओके ये बहुत अच्छे से मेरे से समझ लो। ओके और ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, ओके ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है, हाँ आपका जहाँ तक देखा जाए अक्टूबर से ही अप्लीकेबल किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? चलिए अभी थोड़ा पहले बैकग्राउंड समझा देता हूँ और फिर ये रूल मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है बेटा? तो ये रूल कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये रूल देखो, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर है आपका सप्लायर है और आप रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपियंट हो जो क्रेडिट लेना चाहता है, रिसिपियंट हो जो क्रेडिट लेना चाहता है, ठीक है? तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर कॉमन पोर्टल पे, आपने अगर कोई गुड्स खरीदा होगा आपने कोई गुड्स टैक्स इनवॉइस में या डेबिट नोट में, आपको डेबिट नोट मिली होगी, वैल्यू समझ लो 1 लाख और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12%, कोई भी सप्लाई गुड सर्विस का जो भी होगा 12,000, टोटल 1 लाख 12,000, ठीक है? फिर जो है आप कॉमन पोर्टल पे जीएसटीएन जो आपका पोर्टल है, ठीक है, तो इस पे सप्लायर जो है सेक्शन 37(1) में GSTR(1) में वह उसका सप्लाई अपलोड कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। नौ GSTR(1) फाइल करेगा और आपका टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड कर देगा इन योर GSTN। ओके और वो जो है आपके GSTR 2A में ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और 2A में अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एक ऐसा सप्लायर जो अपडेट कर रहा है, ठीक है, आपका इनवॉइस। अब क्या हो जाता है बेटा, बहुत सी बार आप परचेस करते हो, सुनिए ध्यान से, बहुत सी बार आप परचेस करते हो पर आपका सप्लायर जो है GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं करता है, और अगर वो 37(1) में रिपोर्ट नहीं कर रहा है विच हैव नॉट बीन अपलोडेड अंडर 37(1), इसलिए मैं दो वर्ड सिंपल वर्ड कर रहा हूँ कि रिपोर्टेड एंड नॉट रिपोर्टेड, तो वो 37(1) में अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में वो आपका नॉट अपलोडेड ITC माना जाएगा। मतलब आपने गुड सर्विस रिसीव्ड, इनवॉइस इज रिसीव्ड, मींस सेक्शन 16(2) की आप सभी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो फॉर ITC। क्या कंडीशन है सेक्शन 16(2) की कंडीशन? पहले इनवॉइस और डेबिट नोट रिसीव्ड, यस दैट इज रिसीव्ड। दूसरी यहां पे कंडीशन क्या है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, हाँ, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, हाँ, ओके। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, यस, ओके। तीसरा, अब सप्लायर ने टैक्स पे किया क्या? तो अब वो बहुत डिफिकल्ट है कि सप्लायर ने टैक्स पे किया क्या नहीं किया क्या, वो आइडेंटिफाई करना, ओके, कि सप्लायर ने अगर उसका टैक्स पे किया होगा तो आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज नॉट, ये बड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, ओके। और चौथा, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो,
आपका नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप अगर ये सभी कंडीशंस कर पूरी करते हो तो आप आईटीसी ले सकते हो, अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपने पूरी कंडीशंस फुलफिल कर ली, पर क्या हो जाता है बेटा, सप्लायर जो है आपको जो उसने इनवॉइस दिया है या डेबिट नोट दी है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं कर रहा है, ठीक है, अपलोड नहीं कर रहा है, तो उसे हम नॉन रिपोर्टेड आईटीसी, और ऐसा आईटीसी जो आपको एलिजिबल तो हुआ है लेकिन आपके सामने वाले सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ओके अपलोड न करने के वजह से आपके 2A में अपडेट नहीं हुआ है, आपके 2A में अपडेट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके आईटीसी को ओके दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आपका जो एलिजिबल आईटीसी है, ये बंदे का एलिजिबल आईटीसी है, ये एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल मतलब उसको मिलने वाला है, उसका कोई ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, जो ब्लॉक क्रेडिट तो हटा दिया हमने, जो एलिजिबल आईटीसी है ओके आईटीसी में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो अपलोड हुआ है, रिपोर्ट हुआ है अपलोडेड और रिपोर्टेड, और उसके 2A में आ गया है, और सेकंड नॉट अपलोडेड, सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किया और रिपोर्टेड। तो अब गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि ये रिसिपिएंट का जो इनवॉइसेस अपलोड हो गए, रिपोर्ट हो गए, उसके 2A में अपडेट हो गए, तो उसके आईटीसी वो 100% ले ले, आईटीसी जो है वो 100% ले ले जो भी है, ठीक है, और जो उसके आईटीसी रिपोर्ट नहीं हुए, उसके पास इनवॉइस आ गए, गुड्स आ गए, सर्विस आ गया, उसने पेमेंट कर दिया सब कुछ, लेकिन सामने वाला सप्लायर नालायक निकला, उसने जीएसटीआर 1 में अपडेट नहीं किया, कम ऑन, उसने जीएसटीआर 1 में विद इन ड्यू डेट, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद इन क्या, ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट उसने अपडेट नहीं किया जीएसटीआर 1 में एज पर 37(1) ओके, विद इन ड्यू डेट ऑफ 37(1) मतलब ओके नॉर्मली ड्यू डेट जो है 37(1) की 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो अभी एक्सटेंड होके 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ हुई है, ठीक है, एक्सटेंशन निकल जाएगा तो वापस 10th हो जाएगी, नॉर्मल डेट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, एक दिन एक्सटेंड हो गया है, तो ऐसे केस में जो जीएसटीआर 1 की ओके जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट के तहत ओके उसने वो रिपोर्ट नहीं किया आपका इनवॉइस, जबकि आपको दे चुका है वो मंथ में पर रिपोर्ट नहीं किया, तो ड्यू डेट तक के, बाद में किया होगा उससे कंसर्न नहीं है, ड्यू डेट तक के उस मंथ का आईटीसी अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया होगा तो वो नॉट अपलोडेड, नॉट रिपोर्टेड माना जाएगा ओके। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहते हैं कि ये जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है, नॉन अपलोडेड इनवॉइस है, इसका आईटीसी हम आपको 20% ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब क्या होता था, ये अमेंडमेंट के पहले हम आईटीसी पूरा ले रहे, हम आईटीसी पूरा ले रहे, क्योंकि पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इतना लो, सिर्फ इतना चेक करो सप्लायर ने पेमेंट कर दिया क्या, ओके, ये नहीं था कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया क्या, फिर आपके 2A में नहीं आया क्या, क्योंकि पहले एक प्रिंसिपल था जो कभी ऑपरेशन में नहीं आया, मैचिंग एंड मिसमैचिंग, और वो ओके गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया, नहीं तो बहुत अच्छा था मैचिंग मिसमैचिंग ढूंढने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करवाया, तो फिर ये अज्यूम था कि ठीक है भाई ओके सामने वाले ने 3B फाइल किया होगा तो उसने रिपोर्ट ही किया होगा, रिपोर्ट किया होगा तो मुझे आईटीसी लेना होगा, तो यहाँ पे 9 अक्टूबर 2019 के पहले ओके यहाँ पे सभी लोग जो है ओके सामने वाले ने बस रिटर्न फाइल कर रहा है ना, 3B दे रहा है ना, मतलब उसने पे कर दिया होगा, उसके 2A में आए ना आए, रिपोर्ट हो ना हो, वो आईटीसी दोनों के ले रहा है, मतलब जो 2A में आ गए उसके भी आईटीसी ले रहा है, और जो 2A में नहीं आए, कम ऑन, जो 2A में नहीं आए उसके भी वो आईटीसी लेता था, इनवॉइस उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, कुछ कोर्ट के डिसीजन भी इस पे आए थे कि भाई इनवॉइस वगैरह सब है तो आईटीसी ले लो ओके, और वो सप्लायर का पेमेंट माना जाएगा। सो ये 20% आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाला, ठीक है। अब बेटा यहां पे मतलब पहले आप क्रेडिट लेते थे और फिर अब निर्मला सीतारामन ने कहा कि देखो भाई जो आईटीसी यहां जो लेने वाला है अगर उसका सप्लायर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलोड नहीं कर रहा है, तो भाई हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे,
हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, हम आपको 20% ही देंगे अभी। अब ये बंदा कह रहा है इसमें मेरी क्या गलती है, तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो हमें नहीं पता तेरी गलती है नहीं कर रही, ऐसे सप्लायर से तू क्यों खरीदता है कि जो अपलोड नहीं कर रहा, जा उसको 10 कॉल कर, उसको कह कि रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करे तो तुझे ITC मिले। इनडायरेक्टली इसके थ्रू सप्लायर पे फोर्स था कि वो GSTR1 प्रॉपरली विद इन टाइम फाइल करे, प्रॉपरली विद इन टाइम फाइल करे। आर यू गेटिंग मी, ये बात समझ में आया? तो ये फोर्सफुल हो रहा है। अभी गवर्नमेंट सभी तरफ से परेशान है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, GST बराबर चल नहीं रहा है, GDP डाउन है, सब कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट का थोड़ा पॉलिसी फोर्स के जैसा, यानी एक कहा जाता है कि भाई अभी नाम ऐसा हो रहा है कि टैक्स टेरर चल रहा है। ओके, मैं नहीं मानता हूँ कि कंप्लीट टैक्स टेरर चल रहा है, पर हाँ गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें एनफोर्स करेगी, ऐसा करना पड़ेगा, जाओ हम नहीं सुनेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, हमें पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं है, GDP डाउन हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके सप्लायर ने, सुनिएगा, अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइस तो दे दिया होगा, गुड सर्विस दे दी होगी, आपसे पैसा भी ले लिया होगा GST का, पर उसने अगर रिपोर्ट नहीं किया होगा, GSTR1 में अपलोड नहीं किया होगा, तो हम आपको ITC नहीं देंगे, पूरा तो नहीं देंगे, 20% देंगे। और ये 20% किसका? तो 20% जो रिपोर्ट किया गया अमाउंट है, मतलब जो आपके GSTR2A में एलिजिबल ITC है, आई रिपीट, GSTR2A में एलिजिबल ITC रिपोर्ट हुआ है, उसका 20%, उसका 20%। मैं एनालिसिस करूंगा यहां पे, जैसे यहां पे बेटा आपके टोटल ITC 10 लाख है, ऐसा अज्यूम करते हैं, इसका सेम एग्जांपल आगे लूंगा, उसमें से रिपोर्ट ITC आपका रिपोर्ट ITC 6 लाख हुआ है, अरे 6 लाख के इनवॉइस अपलोड हो गए और 4 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए, ओके 4 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए, तो आपका जो ITC एलिजिबल रहेगा वो एलिजिबल ITC 6 लाख का 20%, आई रिपीट 6 लाख का 20%, मतलब यहाँ पे आपको ये 6 लाख तो मिलना ही है, उसका 100% मिलना ही है, तो ये 6 लाख प्लस आपका जो नॉन रिपोर्टेड ITC है, नॉन अपलोडेड ITC है, ये 6 लाख का 20% मिलेगा, मतलब 1,20,000 रुपये आपको ये ITC मिलेगा, टोटल 7,20,000 रुपये ITC आपको मिलेगा। तो कितना ITC है? ओके, तो ITC एलिजिबल ये आपको जो मिलेगा, ये 7,20,000 का ITC आपको मिलेगा। और नॉन एलिजिबल ITC जो रहेगा वो, क्योंकि आप नॉन एलिजिबल ITC, मतलब क्या, मतलब वैसे तो एलिजिबल था, सिर्फ वो रिपोर्ट नहीं हुआ, तो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से मेरा ITC जो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ वो रहेगा, कितना रहेगा बेटा, 2,80,000 रुपये। तो 2,80,000 रुपये आपको ITC उस टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? उस टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा। तो सर क्या ये 2,80,000 का ITC हमें कभी नहीं मिलेगा? ना 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 ना, ना ऐसा नहीं है। ये 2 लाख का ITC आपको उस मंथ में मिलेगा जिस दिन आपके बचे हुए 4 लाख के इनवॉइस अपलोड हो जाएंगे। कम ऑन, बचे हुए 4 लाख के इनवॉइस जिस जो मंथ में अपलोड हो जाएंगे, आगे कोई मंथ में आपका, आपके सप्लायर ने आपकी सुन लिया, आप उसके पीछे लग गए, अरे यार अपलोड कर इनवॉइस, ओके, तो उसने आपकी सुन लिया और उसने आपकी सुनने के बाद, सुनिएगा यहाँ पे, उसने आपकी सुनने के बाद उसने कुछ 2-3 महीने बाद ओके अपलोड कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो मंथ में भी उसने अपलोड कर दिया उस मंथ में आपको ITC और बचा हुआ आपका जो भी ITC है 2,80,000 रुपये वो दे दिया जाएगा, ठीक है, पर अभी नहीं दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहती है कि तू तेरे सप्लायर को फोर्स कर, यानी रिसिपिएंट को डंडा मारा है, 20% ही ITC दिया है, जो रिसिपिएंट अपने सप्लायर को फोर्स करे, ओके तू अपलोड कर, ओके गवर्नमेंट खेल देखते रहेगा, चल बेटा लग उसके पीछे, और नाउ यहाँ पे जब वो अपलोड करेगा तो तेरा बचा हुआ 2,80,000 ITC दे दिया जाएगा। ये बेसिकली थीम समझ में आई आपको? यस, तो ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ा एनालिसिस तो हम करेंगे, पर ये रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है। आर यू गेटिंग मी? तो एक बार फिर से बेटा, ओके, ये 20% जो लिया जाएगा, ये 20% 4 लाख का 20% का है या 6 लाख का 20% का है? ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख का 20% कहा गया है, 4 लाख का 20% नहीं, इसलिए ये मिस्टेक मत करना, ये जो 6 लाख है उसका 20% का ITC आपको दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ता हूं, देखो, इनपुट
tax credit to be availed by a registered person in respect of the invoices or debit note, the details of which have been uploaded, मतलब मैं उसको simple word में reported कह रहा हूँ, okay, uploaded by the supplier under section 37(1), आपके suppliers ने 37(1) मतलब GSTR(1) में अपलोड कर दिया, क्योंकि obviously उसने अगर अपलोड कर दिया होगा तो आपके GSTR(2A) में ऑटो अपडेट हो गया होगा, ठीक है। Shall not exceeds मतलब आपका ITC shall not exceeds 20% of eligible credit, okay, available in respect of invoice or debit note, the details of which have been uploaded, मतलब जो debit note या invoice अपलोड हुई GSTR(1) में और आपके 2A में ऑटो पॉपुलेट हुई, तो उसमें जो एलिजिबल था, जो ब्लॉक था वो तो हटा दिया हमने, जो इनएलिजिबल था वो तो हटा दिया, पर उसमें जो आपका एलिजिबल था वो एलिजिबल का 20% ही आईटीसी आपको दिया जाएगा। आई रिपीट, 20% आईटीसी आपको दिया जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं क्या कहूँ, क्या मत लो गवर्नमेंट के उपकार, 20% भी मत लो, जाने दो, जब इनवॉइस आएगा तब ले लेना, यानी जो अभी रिपोर्टेड नहीं है, जो अपलोडेड नहीं है, ओके अभी 20% लो। इसलिए मैंने तो मेरे वी स्मार्ट में जो है यही कहा कि छोड़ने यार 20% नहीं चाहिए गवर्नमेंट के उपकार, हम तब लेंगे जब वो सामने वाला मेरा सप्लायर जो है पूरा अपलोड करेगा और सीना दान के कहेंगे हमने तब लिया क्रेडिट। क्योंकि कौन ट्रैक रखेगा बेटा, 20% अभी लो, बचा हुआ तब लो, ओके फिर वो मैचिंग करके दो, रिकनसाइल करके दो, ओके उसके बाद, यानी दिमाग खराब कर दिया, ओके उसके बाद में अगर तुम्हारा कंबाइन सप्लाई होगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, तो अपोर्शन में एलिजिबल आईटीसी निकालो, ओके उसका अनरजिस्टर्ड का सिर्फ 20% लो, बड़ा मुश्किल वाला काम है, यानी इसमें तो ऐसे ऐसे अभी फ्यूचर में कन्फ्यूजन होने वाले थे, कुछ इश्यूज तो मैं लूंगा जो इश्यूज यहाँ पे आने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे तो भी हम ये इश्यूज डिस्कस करेंगे, समझ में आया। तो जो बेटा आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया मैंने उतना यहाँ पे लिया है अपने बुक में, लेकिन कुछ एडिशनल इश्यूज आपको लिखवा के दूंगा, ओके। तो ऐसे केस में आप जो रिपोर्ट हुआ 6,00,000 रुपए रिपोर्ट हुआ उसका 20% तक का ही आईटीसी आप ले सकते हो। आई मेरी बात समझ में आपको? ये नोटिफिकेशन था, इसके ऊपर नो डाउट बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो सीबीआईसी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया वो भी मैं लेता हूं। तो इससे रिलेटेड कुछ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस आए हैं, तो ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस जो है अलग अलग इश्यूज पे और थोड़ा ये प्रोविजन को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से आए हैं, तो ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया गया है। तो हम अगर यहाँ देखें सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस आप डाल सकते हो सर्कुलर्स, ओके दो तीन सर्कुलर नंबर्स है तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देखो। तो उन्होंने कैसे एनालाइज किया है, जो इनवॉइस और डेबिट नोट आपके अपलोड हो गए, सप्लायर अच्छा था उसने अपलोड कर दिए, तो वो केस में यहाँ पे वो इनवॉइस के पूरे आईटीसी लो, ओके अगर आप बाकी सब कंडीशंस फुलफिल करते हो। लेकिन जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए और आपके 2A में नहीं दिख रहे, तो 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइस, यानी जो अपलोडेड इनवॉइस है, ओके उसका 20%, उसका मतलब जो इनवॉइस अपलोड हो चुके थे 2A में दिख रहे हैं उसका 20% तक ही आपको आईटीसी मिलेगा। हाउएवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स, हाँ ये वाली लाइन अंडरलाइन करना तो मैं थोड़ा अच्छे समझाऊं, हाउएवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। हाँ तो जितना आपका एक्चुअल आईटीसी है जो नॉट अपलोडेड है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं समझाता हूं थोड़ा इस केस को। चलो एक इलस्ट्रेशन लेके समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस, उसके पास उसके फाइल में अपने सप्लायर से जो उसने गुड्स और सर्विसेज खरीदा उसके 100 इनवॉइसेस उसके पास आ गए फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी 10,00,000, जिसका जीएसटी 10,00,000 है फॉर वेरियस सप्लायर्स, अलग अलग सप्लायर्स है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, तो अक्टूबर 2020 की बात है। नाउ कॉम्प्यूट आईटीसी दैट कैन बी अवेल बाय मिस्टर विजय इन हिज GSTR-3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20 टू बी फाइल्ड बाय 20th November 2020, मतलब GSTR-3B जो अक्टूबर का फाइल होगा, जो 20 नवंबर 2020 तक फाइल होगा,
in the following independent cases, assuming that GST of rupees 10 lakhs is otherwise eligible for ITC. मतलब ये assume करो कि 10 लाख eligible होता 100 invoice के, okay, और उसको 3B में ITC claim करना है, तो वो कैसे claim करेगा? Case 1, out of 100 invoices, 80 invoices involving GST 6 lakhs have been uploaded. 100 में से आपके 80 invoice जिसमें GST 6 लाख रुपए था वो अपलोड होगा by the supplier in their respective GSTR1 file on prescribed due date. हाँ, file on prescribed due date मतलब सामने वाले की GSTR1 की जो due date थी, तो सामने वाले की GSTR1 की due date जो act में 10 दी है पर एक दिन extension है, तो चलो 11 लेके चलते हैं. तो सामने वाले ने 11th को October का जो GSTR1 file किया होगा 11th October को, okay, वो due date में file किया है, तो वो due date तक जो report हो चुका है, दो तीन दिन लेट होगा या बाद में लुआ तो वो नहीं चलेगा, वो लेट नहीं चलेगा. ड्यू डेट तक जो फाइल हुआ है 10 अक्टूबर या 11th अक्टूबर, एक दिन जो एक्सटेंशन हम लेंगे, तो वो ड्यू डेट तक जो फाइल हुआ है उस तक का ही हम रिपोर्टेड मांगेंगे. ठीक है, केस वन की 6 लाख का ITC 80 इनवॉइस, और केस टू आउट ऑफ 100 इनवॉइस 75 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग GST 8.5 लाख have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1 file on within prescribed due date. Therefore, ठीक है, तो दो केस में आपका ITC कैसे रहेगा? आंसर देखिएगा ध्यान से. As per sub rule 4 of rule 36, ITC to be availed by registered person in respect of invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in GSTR1, cannot exceed 20% of eligible ITC available in respect of the invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in GSTR1. ठीक है, तो केस वन सॉल्व करते हैं. मिस्टर विजय को अक्टूबर में वो कितना क्लेम कर पाएगा बाय, ओके, और वो 20th नवंबर जब GSTR3B फाइल करेगा तो कितना क्लेम कर सकता है? 80 इन्वॉइसेस जो सप्लायर ने अपलोड किए थे, 6 लाख का ITC इन्वॉल्व था, वो पूरा का पूरा 6 लाख वो ITC ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 20 इनवॉइस जिसमें ITC 4 लाख था, उसका वो 20% मतलब 1.2, वो 12 लाख नहीं बेटा, उसको 1.2 करना, तो उसका 1.2 लाख ही ITC वो ले सकता है. तो 20% ऑफ व्हाट? तो ये जो 6 लाख का 20%, हाँ, 4 लाख का नहीं, 6 लाख का जो रजिस्टर है उसका 20% ITC वो ले सकता है, अगर वो लेना चाहे तो. मैं तो सजेस्ट करता हूँ लो ही मत, नहीं बड़े एग्जाम में ऐसा मत करना, ओके, एग्जाम में आप जो है, ओके, 20% ITC दे देना, ऐसा मत लिखना, ओके, वी डोंट सजेस्ट क्लाइंट डोंट टेक द ITC, ओनली टेक द ITC इन द मंथ इन विच इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. मतलब ये हुआ, ओके, तो यहाँ पे 7.2 का ही ITC उसने, मतलब 6 लाख प्लस 1.2, ऐसे 7.2 का ही ITC वो ले पाया. 10 लाख के बिल पड़े थे, एलिजिबल बिल पड़े थे, 7.2 ही ले पाया. तो नीचे आप लिखना है तो लिख देना ITC नॉट अवेल. तो ITC नॉट अवेल कितना हुआ बेटा? तो ITC नॉट अवेल जो हुआ 2.8 लाख, कम ऑन, ITC नॉट अवेल 2.8 लाख, उसको ITC नहीं ले पाया. लेकिन जो ITC वो नहीं ले पाया वो उस मंथ में ले सकता है जिस मंथ में ये 4 लाख के इनवॉइस जो अक्टूबर में तो अपलोड नहीं हुए, पर चलो अक्टूबर नहीं नवंबर में अपलोड हो जाएंगे, दिसंबर में अपलोड हो जाएंगे, तो जब जब भी इनवॉइस अपलोड होगी वो उसके ITC ले पाएगा. आर यू गेटिंग मी? ओके, नाउ नोट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड बाय द सप्लायर, ओके, तो देखो 6 लाख के लिए नोट वन थी कि भाई जो अपलोड हुआ उसका फुल ITC, और जो नहीं अपलोड हुआ उसका 20% ऑफ एलिजिबल ITC यानी 1.2 लाख ही आपको ITC मिलेगा. आर यू गेटिंग मी? यस और नो? तो 1.2 ही ITC आपको मिलेगा. उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहां पे केस टू, ITC टू बी क्लेम बाय मिस्टर विजय, ओके, केस टू में क्या था? केस टू में अगर आप देखते हो तो 100 इनवॉइसेस थे और 100 में से 75 जो है वो अपलोड हो चुके थे जिसका अमाउंट 8.5 लाख था, ओके, और बाकी अपलोड नहीं हुए. तो चलो एक टेबल बनाते हैं. 80 इनवॉइस है, 8.5 लाख जो है, ओके, 8.5 लाख, ओके, उसका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा. और जो अपलोड नहीं हुए थे 20 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए थे, मतलब यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे यहाँ 1.5 लाख करना, बाय मिस्टेक आया,
ओके यहाँ 1.5 लाख करना, अगर आपके इसमें करेक्टेड होगा तो ओके, अदरवाइज 1.5 लाख। ओके तो 1.5 लाख के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए थे, तो अब लॉ क्या कहता है? अब अगर आप 8.5 का 20% निकालते हो, क्योंकि लॉ क्या कहता है 20% ऑफ व्हाट द इनवॉइसेस अपलोडेड, 8.5 का 20% अगर आप निकालते हो तो 8.5 का 20% बेटा, तो 8.5 इंटू 20% तो वो आएगा 1.7, यानी आपका 10.2 जाएगा। अरे ये कैसा हो गया? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 8.5 प्लस 1.7 ओके, यानी आप 10.2। गवर्नमेंट कहती है बेवकूफ समझ के रखा क्या? जब आईटीसी आपका 10 लाख एलिजिबल था, कमॉन आईटीसी आपका 10 लाख एलिजिबल था, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको 10 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कैसे देंगे? तो फिर आपको वो सिचुएशन में ओके, जो अनरिपोर्टेड इनवॉइस का आईटीसी है वो मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, वो 1.7 लाख नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? वो 1.5 लाख ही मिलेगा, 1.7 लाख आपको नहीं मिलेगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अनरिपोर्टेड इनवॉइस। मतलब इसको मैं उल्टा सेंस में कहूँ तो अगर आपको पूरे 10 लाख का क्रेडिट लेना है, जो आपके पूरे इनवॉइसेस है 10 लाख का क्रेडिट लेना है, तो एटलीस्ट ओके आपका कितने इनवॉइस अपलोड हो जाने चाहिए उस मंथ के? अगर आपको 10 लाख का पूरा क्रेडिट लेना है तो कितने अमाउंट का इनवॉइस अपलोड होना चाहिए? तो 10 लाख टेन लाख डिवाइडेड बाय 120 × 100 यानी 8,33,000 तक। ओके मेरी बात सुनना, उल्टा मैं बताता हूं, 8,33,000 के इनवॉइस अगर अपलोड हो गए तो आप 10 लाख का क्रेडिट ले सकते हो। तो यहाँ इनवॉइस 8.5 अपलोड होगा तो ज़्यादा ही हो गया, तो फिर आपका क्रेडिट 10 लाख तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ऐसा फिक्स में बेसिस मत लेना, क्योंकि वर्ड है बेटा अप टू 20%, यानी रिस्ट्रिक्शन अप टू 20%, मतलब अगर आपका पूरा क्रेडिट लेने के लिए ओके वो कम अमाउंट होगा तो उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। यानी इन शॉर्ट आप 10 लाख से ज़्यादा आईटीसी नहीं ले सकते, ये उसका मीनिंग था बेटा। देखो ये ऊपर दिया है, हाउएवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड्स एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। अब एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी जो है इनवॉइस नॉट अपलोडेड 1.5 लाख था, तो वो 1.5 लाख का ओके उससे ज्यादा कैसे आप 20% ले सकते हो? मैक्सिमम उतना ही ले सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो ये था 10 लाख का आईटीसी, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग टू केस 2, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड दो केस से मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये दो केस से ये कि आपका 20% आईटीसी जो है ओके, वो 20% आईटीसी आपका जो इनवॉइसेस अपलोड हुए वो अपलोड ओके जो इनवॉइस हुए उसका 20% मिलेगा, जो रिपोर्टेड नहीं है, जैसे पहले केस में 4 लाख रिपोर्टेड नहीं था तो 4 लाख का 20% मत लेना, जो रिपोर्टेड है उसका 20% तक रहेगा, उतना तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बैलेंस जो है वो आईटीसी इस मंथ में नहीं मिलेगा, बैलेंस आईटीसी जो मिलेगा आपको उस मंथ में मिलेगा जो मंथ में क्या हुआ बेटा बताइए, जो मंथ में आपके इनवॉइसेस आ जाएंगे। यहां सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है ओके, ठीक है, जो सीबीआईसी ने यहां पे रिपोर्ट किया, ठीक है। और सेकंड केस में मैंने ये कहा कि आपका जो 20% है वो आपका अनरिपोर्टेड जो आईटीसी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ तो अनरिपोर्टेड आईटीसी आपका 1.5 लाख होगा तो वो भी आपका 1.5 लाख होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? चलिए यहाँ पे ये था रिगार्डिंग टू अनरिपोर्टेड आईटीसी। चलिए तो यह हमारा बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए, पर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हम देखेंगे ओके रिगार्डिंग टू दिस सब रूल 4 ऑफ रूल 36। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में इतना ही दिया है, जितना दिया है मैंने उतना पढ़ा दिया है, पर अब मेरे तरफ से कुछ एडिशनल इश्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा
जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज लिखना है। ठीक है, वेल बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन लिखो, पहला इश्यू वन, स्पेसिफाई द केसेस वेयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी अंडर रूल 36.4 इज नॉट अप्लीकेबल, अंडर रूल 36.4 इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट अप्लीकेबल इन ब्रैकेट दैट इज फुल आईटीसी अवेलेबल इवन दो नॉट रिपोर्टेड, दैट इज फुल आईटीसी अवेलेबल इवन दो नॉट रिपोर्टेड, ब्रैकेट कंप्लीट क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट कंप्लीट क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब बेटा मैं था आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो वो क्या कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन उसको ही अप्लीकेबल है जो 37(1) में यानी GSTR 1 में आपका सप्लायर अपडेट कर रहा है, तो ये 20% का रिस्ट्रिक्शन उसको ही अप्लीकेबल है। अब कुछ केस में हम अपडेट नहीं करते, 37(1) में नहीं करते, जैसे इंपोर्टेड गुड्स पे जो आप ACD 37 IGST पे करते हो तो वो कहां GSTR 1 में, सामने वाला सप्लायर तो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है इंपोर्टेड गुड्स का या इंपोर्ट सर्विस का, इंपोर्टेड गुड्स हो या इंपोर्टेड सर्विसेस हो, आप मुझे समझ रहे हो, तो इंपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड सर्विस जो है उसका सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, उसका कोई GSTR 1 फाइल नहीं होता है, वो तो इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री में रिपोर्ट होता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री के बेस पे डॉक्यूमेंट पे ITC मिलता है, और इंपोर्ट सर्विस होगी तो रिवर्स चार्ज में हम टैक्स देते हैं, तो हम टैक्स देकर ITC लेते हैं इंपोर्ट सर्विस होगी तो ऑब्वियसली ये 20% का रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं अप्लाई होगा। मतलब अगर आपके इंपोर्टेड गुड्स के ITC होगे या इंपोर्ट सर्विस के ITC होगे तो ऐसे सिचुएशन में वहां फुल ITC लो। ओके, वहां ये डिक्लेरेशन पे मत जाओ, आर यू गेटिंग में, उसका ITC आप फुल ले सकते हो। तो राइट डाउन फर्स्ट, सॉरी ऐसा लिखो, ऐसा लिखना, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल फॉर द डिटेल्स, द रिस्ट्रिक्शन इज अप्लीकेबल फॉर द डिटेल्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, फॉर द डिटेल्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर suppliers under section 37(1) under section 37(1) full stop in following cases the details are not required to be uploaded, the details are not required to be uploaded, not required to be uploaded under section 37(1), under section 37(1), hence this restriction is not applicable. Hence, this restriction is not applicable. Write down first. ITC availed on imported goods.
ITC availed on imported goods. Second, ITC availed on import services. ITC availed on import of services where tax is payable under RCM. Third, ITC availed on supplies. Third, ITC availed on supplies. On supplies received from unregistered supplier. ITC availed from supplies received from unregistered suppliers which are attracting RCM. See, if you take any supply from registered supplier and under RCM, then yes, it will be reported under GSTR 2A. After payment of that, it will be reported in GSTR 2A. But if you make a purchases from unregistered person and that supply is under RCM, maybe 93 RCM and etc., then for that, okay, उसके लिए ही applicable नहीं होगा क्योंकि आपने unregistered से purchase किया तो वो कहीं upload ही नहीं होगा. अगर register से किया तो वो अपने GSTR 1 में upload कर देगा. ठीक है, वो tax नहीं देगा क्योंकि RCM में है, पर supplier GSTR 1 में upload कर देगा. Are you getting me? उसके बाद में last, ITC availed on the basis of invoices. ITC availed on the basis of invoices. Invoices of ISD. Invoices of ISD. See, ISD ये आपका ही office है. तो आपका office है तो ऐसे situation में बेटा, okay, ISD ने खुद ने जब credit लिया होगा तो उसने, देखो याद करना, ISD ने जब खुद ने credit लिया होगा तो उसका ही लिया होगा जो invoice upload हुए plus 20%. ओके, तो उसने जो इनवॉइस रिपोर्ट नहीं हुए, जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए, उसका क्रेडिट उसने लिया ही नहीं होगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन उसको पहले उसको अप्लीकेबल होगा, बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट जिसको करता है उसको अप्लीकेबल होगा. तो पहली बात तो आईएसडी नहीं वो कंप्लायंसेस कर दिए होंगे, आईएसडी ने उसका क्रेडिट नहीं लिया होगा. ओके, 20% से ज्यादा, तो जब आईएसडी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो फिर से ये 20% का रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. तो चार ऐसी केसेस है जहां ये 20% का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. कौन सी चार ऐसी केसेस है? पहला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल ऑफ एंट्री पे मिलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है. आरसीएम जो अनरजिस्टर्ड से परचेस किया, और आईएसडी, ओके, जहां ये 20% का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, और आप फुल आईटीसी ले सकते हो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन लिखो, सेकेंड इश्यू लिखो वेदर रजिस्टर पर्सन कैन टेक आईटीसी नॉट वेदर ऐसा लिखना वेन वेदर के जगह वेन करो When register person can take ITC? When register person can take ITC of non-reported invoices
ऑफ 80%, क्योंकि 20% हमने तो ले लिया, नॉन रिपोर्टेड इनवॉइसेस ऑफ 80% क्वेश्चन मार्क लिखो रजिश, क्या ये 80% का इनवॉइस आईटीसी मिलेगा ही नहीं, या आपको उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में इनवॉइस अपलोड हुए? उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में इनवॉइसेस अपलोड हुए. तो लिखो आईटीसी, सॉरी सॉरी, सॉल्यूशन लिखो, रजिस्टर पर्सन कैन टेक आईटीसी of non-reported invoices, ITC of non-reported invoices of 80%, 80% in the month in which invoices are uploaded by the supplier in their GSTR1. Subject to time limit of availing ITC. Under section 16(4). तो बेटा उसको आईटीसी मिलेगा, ऐसा नहीं है. आगे सब्सिक्वेंट मंथ में जब भी होगा उस मंथ में आईटीसी मिलेगा, लेकिन यह भी ख्याल रखा जाए कि तुम्हारा सप्लायर ने जो 16(4) का रिस्ट्रिक्शन आईटीसी का, क्या रिस्ट्रिक्शन है 16(4) का बेटा, कि भाई अगले महीने की सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक कि आप आईटीसी ले सकते हो, तो उसको फोर्स करना पड़ेगा कि यार कर दे अपलोड, तो मेरा बचा हुआ मैं आईटीसी ले लूंगा. ओके, सितंबर की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न. आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये हमने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गए और आपको रिमेनिंग आईटीसी आपको उस मंथ में मिल जाएगा. तीसरा बेटा, ये जो आईटीसी है तो ये 20% जो है, 20% आपको जो कैलकुलेट करना है वो हर सप्लायर वाइज, मतलब ईच सप्लायर वाइज कैलकुलेट करना है या एग्रीगेट बेसिस पे? एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है, मतलब ओके, जैसे 6-7 आपके सप्लायर्स है तो हर सप्लायर का 20, हर सप्लायर का 20, हर सप्लायर का 20 लेना है, या एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेट करना है? तो आप इश्यू 3 लिख सकते हो. इश्यू 3 लिखो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं. द 20% रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इनवॉइसेस ऑफ द सप्लायर विच आर अपलोडेड इन GSTR1 and not on the basis of
एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईच सप्लायर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईच सप्लायर्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईच सप्लायर. मतलब क्या? मतलब ये बेटा कि ये जो ओके इस मंथ में जो भी आपकी रिपोर्टेड टोटल हो गए उसका 20%. हर सप्लायर का ऐसा 20 20 20 लेने की जरूरत नहीं है. जितना भी रिपोर्टेड होगा उसका 20% तक आप आईटीसी ले सकते हो. इस सप्लायर वाइज आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे कुछ इश्यूज थे इंपॉर्टेंट. पहले तो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा. दूसरा ओके हमने देखा कि आपको बैलेंस आईटीसी उस मंथ में मिल जाएगा जो मंथ में आप यहाँ पे सप्लायर अपलोड करेगा और ये एग्रीगेट बेसिस पे होगा. एक और पॉइंट बता दूँ बेटा, ये 20% आपका कॉमन पोर्टल ऑटोमेटिक नहीं करेगा कि भाई जो भी अपलोड हुआ फ्लैट 20%. कॉमन पोर्टल में अभी तक एडजस्टमेंट नहीं है. ये आपको खुद ही क्या जितना भी 2A में आया है उसका 20 एलिजिबल आईटीसी है उसका 20% लेकर आपको यहाँ कंसिडर करना है. ओके तो वाइल टेकिंग एलिजिबल आईटीसी 20% आपको ब्लॉक क्रेडिट वगैरह हटा देना है. आपको वो पॉइंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो. इश्यू 4 ओके while taking eligible ITC for calculating 20%, don't consider ITC of block credit. आई बात समझ में आपको? ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने देखे 20% ऑफ आईटीसी. बट बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिकॉज इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डाउट्स. जैसे जैसे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है. ओके पर यहाँ तक इसके आगे नहीं पढ़ना है. पर जैसे एक एग्जांपल आपको बता दो कौन सी चीज़ें सामने आ रही है कि बेटा 4 लाख का मेरा इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ था. ठीक है उसमें से अक्टूबर में अपलोड नहीं हुआ. नवंबर में उसमें से बेटा ध्यान से सुनो नवंबर में उसमें से यहाँ 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हो गया. तो अब 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हुआ पूरे 4 लाख का नहीं. 4 में से नवंबर में अगले महीने में 1 लाख का इनवॉइस अपलोड हो गया. तो अब मैं कैसे निकालूँ प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट मतलब कि अब वो 1 लाख में से प्रोपोर्शनेट मैंने 20% ले लिया होगा और बाकी का नहीं लिया होगा. तो फिर वो कैसे निकालना क्या निकालना इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं पर हमारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं दिए उन्होंने. ओके पर अभी हमें उतना डिटेल में भी नहीं जाना है. जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमने ले लिए. देखते आगे क्या होगा. बस इतना ही हमें पढ़ना है इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है तो ये था. अभी एक और इश्यूज क्या कि मेरा एक सप्लायर है बेटा. एक मेरा सप्लायर ने ठीक है 11 वैसे तो एक्ट में 10 दिया है एक दिन का एक्सटेंशन अभी जो टेम्प्रेरी मैं बता देता हूँ. 11 को GSTR1 जो था वो GSTR1 में अपलोड नहीं किया. उसने 13 को फाइल किया GSTR1 और उसमें अपलोड किया. अब 2 दिन बाद जस्ट फाइल किया और उसमें अपलोड किया. सॉरी मुझे नहीं मिलेगा ITC. क्यों? क्योंकि जिसने ड्यू डेट में GSTR1 दिया होगा बस वही मेरा अपलोडेड माना जाएगा. जिसने 2-3 दिन लेट दिया होगा तो वो अपलोडेड नहीं माना जाएगा बेटा. यही डेंजरस क्लॉज है. और गया फिर अब वो 3 दिन बाद भी अपलोड कर रहा होगा तभी मुझे अभी अक्टूबर के लिए तो जब 20 नवंबर को 3B दूंगा तो मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा. बाकी का जो है ओके उसने 3 दिन बाद अपलोड किया तो मैं नवंबर में क्लेम करूंगा. नवंबर के ड्यू डेट में नवंबर की ड्यू डेट आएगी दिसंबर तो दिसंबर में क्लेम करूंगा पर अभी क्लेम कर ही नहीं सकता. तो ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज है. आर यू गेटिंग मी? तो चलो जो भी है ये हमने डिस्कस किया बेटा रिगार्डिंग टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने यहाँ डिस्कस किया. अब किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ ले आई डोंट नो पर कंसेप्चुअली जो है हमने यहाँ डिस्कस किया. हो सकता है एक बड़े प्रॉब्लम में छोटी एडजस्टमेंट डाल दीजिए या इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले. ओके किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. ठीक है तो ये थी ITC की अमेंडमेंट्स. ओके यहाँ पे
20% वाला रूल 36 4 वाला, ठीक है बेटा।